वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ में पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि तमह प्रपद्ये मुखम करोति वाचालं पंगुम लंगे ते गिरिम यत कृपा तमह वंदे श्री गुरु दीन तारणम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता का अध्ययन, और हम देखे कल छठा अध्याय भागवत गीता का, छठा अध्याय ध्यान योग, और आज श्लोक संख्या 38 से थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर सीक्वेंस में प्रयास करेंगे समझने का। कचिनो भवे ये भ्रष्ट भ्रष्ट छिन्न कचिनो भ्रवे भव भी भ्रमश भ्रमिष्ट छिन्न भ्रमी नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ भ्रमण पथी। ओके, दीक्षा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। जी भैया, थोड़ा सेंटर में कर दो भैया, साइड का नहीं दिख रहा। हे महाबाहु कृष्ण, क्या भ्रम प्राप्ति के मार्ग से पृष्ट ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से अच्युत नहीं होते और छन भिन बादल की भांति विनाश नहीं हो जाते, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य, उन्नति की दो मार्ग है। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में आध्यात्मिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि दिखाते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उससे सभी प्रकार के तथा कथित भौतिक सुख से विरत होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से मिल जाता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बाहर ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मण पति। हाँ, ब्राह्मण पति वह शिक्षितकार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर के भिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यही परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्रकाष्ठाएं हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है।
ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकों नेक जन्म लग जाते हैं। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावना मृत की प्रत्येक विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। हे महाबहु कृष्णा, क्या भ्रम प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से अच्युत नहीं होते और छिन्नभिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाते, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं ना, जैसे थोड़ा सा अगर संक्षेप में हम समझें फिर से, तो अर्जुन कहते हैं भगवान को कि देखो, देखिए आपने जो योग की प्रणाली बताई, जो योग की विधि बताई, वो मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल है कि वन में जाओ, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ये करो वो करो, इतना नहीं हो पाएगा। और ये 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन इम्प्रैक्टिकल बता रहे हैं, तो इस डे एन एज के लिए वो योगा नहीं है। इस डे एन एज के लिए तो जैसे भागवतम में भी 12वें स्कंद में हम देखते हैं, भागवतम में वर्णित है, और भी कली संतर उपनिषद और शास्त्रों में वर्णित है इस युग के लिए क्या त्रेतायो यगते मुखे, है ना, भागवतम के 12वें स्कंद में आता है, और कि त्रेतायुग में क्या विधि थी, सत्ययुग में ध्यान की विधि थी, त्रेतायुग में यज्ञ की विधि थी, द्वापर युग में ये अर्च विग्रह की सेवा की विधि थी, और कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वे केवलम, ये विधि। तो भगवान उसके उनके अर्जुन फिर कहते हैं ना कि भाई इस तरह से या सामान्य रूप से कि मैं वायु पे तो काबू पा सकता हूँ, पा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन पे काबू नहीं पा सकता। कितनी विडंबना की बात है, स्वयं का मन ही, लेकिन हम काबू नहीं पा सकते हैं उस पे, या नहीं पा रखे। तो भगवान कहते हैं कि भगवान अनुमोदन करते हैं और कहते हैं ठीक है, बात तुम्हारी बराबर है, लेकिन मन पे विजय पाया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है क्या, यथार्थ रूप से प्रयास करने पे, है ना, प्रॉपर उचित प्रयास करने पे, उचित प्रयास करने से और वैराग्य उत्पन्न करते हुए। अभी संसार में वैराग्य उत्पन्न करना अति आवश्यक है, और वास्तव में वही बाहुबली है या महान है या श्रेष्ठ है, पावरफुल, जिसने वैराग्य उत्पन्न कर रखा है, तो वही वास्तव में श्रेष्ठ है इस संसार में। और वैराग मतलब क्या, संसार में राग अनुराग उत्पन्न नहीं हो, या संसारी गतिविधियों से हम दूर रहें। और देखें ये वैराग तो ऐसे ही हमें चाहिए ना, हमारे दिनचर्या में या दिन के हिसाब और भी ऐसे जीवन में हमारे कार्य कर्म के अनुसार, पढ़ाई लिखाई करते समय, अभी एग्जाम के समय बच्चा अपने आप को डिस्टेंस करता है ना, टीवी से डिटैच करता है या करना चाहिए, म्यूजिक से, स्पोर्ट्स से, भी होता है ना, बच्चे की एग्जाम है तो उसको शादी ब्याह फंक्शन में भी नहीं लेके जाते ना, ये वो नहीं जाता, नहीं बिकॉज टाइम से सोना है मेरे को, सुबह उठना है, कल जाना है, तो वो फोकस रखता है अपना एग्जाम का, और फिर नेचुरली एक वैराग उत्पन्न करता है, या दैट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर एग्जाम के बाद ओके फाइन यू कैन चेक, ऐसा हमारे ये प्रॉपर प्रैक्टिस और वैराग, ये हम भले कोई साधना में है या नहीं है फिर भी कर ही रहा है। और अब हमें साधना क्रम में आके समझना चाहिए कि क्या वास्तव में प्रॉपर प्रैक्टिस है, नहीं तो है ना, इतने संसार में देखिए नाना प्रकार की साधनाएं हैं, कैसी, कुछ तो बड़ी अजीबोगरीब ऊटपटांग कैसी कैसी साधनाएं हैं, और करके भी ना 10 साल से 20 साल से, लेकिन क्या पर्पस, क्या लाभ होना चाहिए, हृदय सरल बने, यही बात है ना, हृदय सरल बने, कोमल बने,
काइंड कंपैशन हो और फॉरगिवनेस नेचर हो और खुद के लिए हम इम्प्रूव करें, काम क्रोध लोभ से छूटें, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता, सामान्य रूप में नहीं नज़र आता अधिकतरों के। और साधना का एक एक वो भी होना चाहिए ना, एक बिना डेस्परेशन की साधना नहीं है वास्तव में। तो एक डेस्परेशन और एक लॉल्यम बोलते हैं, ग्रीड, लोभ, बिना लोभ के भी साधना नहीं है। तो वो लोभ और वो डेस्परेशन उत्पन्न होना चाहिए साधना के माध्यम से, या वरिष्ठ वैष्णवों के शुद्ध शुद्ध भक्त के संग में हम आएंगे ना, महत्पुरुषों के संग में, तो हमें ये डेस्परेशन और लोभ उत्पन्न होगा। किस लिए? भगवान को पाने के लिए, भगवान का संग सानिध्य पाने के लिए, भगवान की सेवा पाने के लिए, पूरा का पूरा यही अभिप्राय। और इसीलिए हृदय सरल या निर्मल बनाना है हमें। भगवान तो सरलतम से सरल है ना, भगवान सरल से सरल है, और हमें भी जिस दिन हम सरल बन गए, भगवान कहाँ दूर है, कहीं दूर नहीं है फिर तो। अर्जुन का खैर फिर और इसमें देखिए सारा ये आपका टाइम मैनेजमेंट, सब सारी मैनेजमेंट, ABC, XYZ, सारी मैनेजमेंट की सब पढ़ाई लिखाई पूरी आ जाती है। आजकल तो ऐसी विचित्र विचित्र क्या विचित्र है क्या कहूँ, पढ़ाई लिखाई, बाप रे, PhD की पढ़ाई, जो PhD की पढ़ाई पढ़ाइयों में सबसे टॉप डिग्री PhD मानी जाती है ना। तो PhD की पढ़ाई में एक है UK में मेरे जानकार, उसने PhD करी, बताओ किस में, कोविड के पहले उसका PhD था। और सब्जेक्ट क्या था पेपर का, कि हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस, कैसा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे कंपनीज और एम्प्लॉयज सही से स्ट्राइक करें, और इसमें क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, क्या कुछ थोड़े से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें अफेक्ट करता है। तो समथिंग ऑन दोज लाइंस, कि कैसे व्यक्तियों का, कंपनीज का भी ओवरऑल सबका फायदा रहे, है ना, मोटा मोटा। अब देखो ये पढ़ाई है, इसके लिए PhD बड़ी यूनिवर्सिटी में फंडिंग, PhD के लिए फंडिंग और भी काफ़ी कुछ रहता है ऐसा, और थीसिस लिखो, रिसर्च करो, स्टडी मटेरियल बनाओ कितना। और उसी समय कोविड हिट हुआ, और बाद में कोविड हिट हुआ और धीरे धीरे किस हिसाब से, और फिर वर्क फ्रॉम होम कल्चर इतना फैल गया, इतना स्ट्रांग हो गया, तो उसको पेपर बदलना पड़ा अपना, कि भाई नाउ योर पेपर इज नॉट सो वैलिड, इट इज नॉट कंटेम्पररी, इट इज लॉस्ट इट्स अपील। उसको वास्तव में अपना पेपर थीसिस का सब्जेक्ट टाइटल और बदलना पड़ा, पूरा रीराइट करना पड़ा एक प्रकार से, क्योंकि अब ये वर्क फ्रॉम होम का इतना बड़ा एंगल आ गया, इतना बड़ा एंगल, अब इसके हिसाब से बनाओ। अब पता नहीं, अब देखो कैसी कैसी पढ़ाई ना, कि भाई अगर हम वास्तव में सरल बन के रहें और यही 4 नियमों का पालन करें, भजन में जुड़े, नियमित रूप से, डेली रूप से नाम जप करें, कुछ एक संख्या के रखते हुए भागवत गीता का अनुशीलन करें, तो इतने अजीबोगरीब नाना प्रकार की पढ़ाई नहीं चाहिएगी हमें, नाना प्रकार की ये सब बाकी चीजें चाहिए नहीं। हमारे देखो खर्चे भी अपने आप सही रहेंगे, संबंध भी सब अच्छे बने रहेंगे, स्वास्थ्य भी सब ठीक रहेगा, बस अगर हम ये थोड़ा सा अपने आप को भगवान की शरणागति में लेके आ जाए तो। अन्यथा तो आगे भगवान बताते हैं ना, माया अपहरिता ज्ञान, माया के द्वारा अपहरण हुआ हुआ है ज्ञान, बड़े बड़ों का, हम भी इंक्लूडेड ही है उसमें। लेकिन जब भजन में आते हैं तो फिर हमारा दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा हमारे हृदय में। और आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आचार्य महाराज परंपरा में ना, उनका आविर्भाव दिवस है, उनकी जीवनी अगर हम देखें, उनके भजन सुनो, उनकी जीवनी देखो, जब ब्रिटिश सरकार था ना भारत में, तो ब्रिटिश रूल के समय सबसे ऊंची अगर पोस्ट किसी इंडियन को मिलती थी, अगर थी इंडियन के लिए, तो वो मैजिस्ट्रेट की पोजीशन, और भक्ति विनोद ठाकुर जी मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड थे ब्रिटिश राज से। और उनसे ब्रिटिश सरकार इतनी प्रसन्न थी कि उनके घर के नज़दीक ही, उनके गांव घर के नज़दीक ही एक रेलवे ट्रैक बनाया ताकि उनको एक लोकल ट्रेन आए, और फिर उस ट्रेन को वो चढ़े, और फिर लोकल ट्रेन उनको लेके आए कलकत्ता या जहाँ पे, और फिर वो अपना
करें केसेस वगैरह, हियरिंग और जजमेंट दें, और फिर लोकल ट्रेन उनको घर भी छोड़ के आए। ये है भक्ति विनोद ठाकुर। और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उजागर किया, कृष्णा भावनामृत का पूरा, और क्या बोलते हैं, उनका दिनचर्या अगर देखें, 10 बच्चे थे मेरे ख्याल से, 10 या 13 बच्चे उनके, और उनका दिनचर्या अगर देखें, कितना खाने पीने का, बहुत भाव विभोर हो जाने चाहिए हमें। तो ये एग्जाम्पलरी पर्सन, ऐसे पर्सन के हमें लाइफ स्टाइल है ना, जीवनी पढ़नी चाहिए, सुनना चाहिए, ना कि फिल्म स्टारों का इतना या स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिटिशियंस इनका, उससे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का नेचुरली टाइम मैनेजमेंट क्या टॉप क्लास था। प्रभुपाद जी का देखो टाइम मैनेजमेंट, रात को 12 बजे वो सोने जाते थे, 12 से 2 के बीच में वो सोते थे, 1.5 या 2 घंटा, फिर उठ के राइटिंग करते, राइटिंग करते या डिक्टोफोन में ट्रांसलेट करते थे, वो भी आसान नहीं था, एक एक लाइन बोलो बंद करो, बोलो बंद करो, एक एक सेंटेंस बोलो बंद करो, ऐसे करते। फिर मंगल आरती के लिए जाते, जपा करते, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा, क्लास, प्रवचन, थोड़े वॉक के लिए जाते, फिर दिन भर उनकी मीटिंग्स चलती, ट्रेनिंग्स, इंस्ट्रक्शंस डिसाइपल्स और के लिए, ट्रैवलिंग, प्रीचिंग प्रोग्राम, शाम को भक्तों को लेके वो कृष्णा बुक पढ़ते थे, फिर रात को और चीजें देखना, अकाउंट्स वगैरह सब जगह, बाप रे। तो ठीक है, अर्जुन भगवान को कहते हैं कि, ये भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हाँ, उचित उचित प्रयास और वैराग्य से, वैराग्य तो उत्पन्न करना ही करना होता है संसार, हम सब ने कर भी रखा है ना, कुछ पाने के लिए बोलते हैं ना, कुछ खोना पड़ता है या वो छोड़ने के लिए, तो अगर हम उचित प्रयास करें और अपने आप को वैराग्य, एक ठहराव, एक कामनेस है ना, क्या भगवती अच्छा नहीं, ये वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान पे हमारी भक्ति हो है ना, भगवान के प्रति, और वो जनयति आसु वैराग्यम, बहुत जल्दी शीघ्रता से वो उत्पन्न हो जाएगी। और भक्ति के साथ क्या आएंगे, भक्ति के बताते 2 अंग या भक्ति के 2 पुत्र, क्या, ज्ञान और वैराग्य। तो जैसे ही हम भक्ति करने लगे ना, स्वतः ही हमें वो दिव्य ज्ञान आएगा, भगवत ज्ञान आएगा, और संसार से वैराग और भगवान में राग अनुराग उत्पन्न होगा। तो फिर अर्जुन जी का प्रश्न है कि भाई ऐसी बात है अगर, तो कोई अगर बीच में ही छोड़ दे, जैसे होता है ना, कोई सीए बनने जा रहा है भाई, बीच में ही छोड़ दिया, डॉक्टर पढ़ने जा रहा है बीच में ही छोड़ दिया, या डॉक्टर बन के डॉक्टर का काम नहीं कर रहा, कुछ और काम कर रहा है, सीए बन के अब सीए का काम नहीं कर रहा है, एमबीए किया, कई होते हैं ना संसार में से, बहुत है, इंजीनियरिंग किया लेकिन इंजीनियरिंग का अब काम नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है, तो क्या होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, या उसका फिर पढ़ाई लिखाई बेकार गई, उसका भविष्य में क्या होगा। तो ऐसा कोई साधना क्रम में आप कह रहे हो मन को काबू करने के लिए योग में जुड़ो और ऐसा योग करो, उचित प्रयास करो और वैराग उत्पन्न करो, लेकिन अगर कोई सक्सेसफुल नहीं बन पाया तो उसके क्या होगा। तो थोड़ा सा और पढ़ने का हम प्रयास करते हैं, और फिर और प्रयास करेंगे चर्चा करने का, तो अगला भी देखते हैं ये। हाँ, यहाँ से हमने शुरू किया ना। हाँ, तो सुधा माता जी, आप केवल अनुवाद पढ़िए, फिर हम आगे का भी देखेंगे। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और जिन दिन बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? ना, तो ये अर्जुन का प्रश्न है कि अगर वो पथ से भ्रष्ट हो जाए, भटक जाए, छूट जाए, ऐसा भ्रष्ट मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके लिए, जिसके फल स्वरूप, एज द रिजल्ट ऑफ इट, उसके लिए इस लोक में कोई स्थान नहीं रहता है ना, ना माया मिली ना राम। कई लोग मजाक भी उड़ाते ना, हो गया तुम्हारा हरे कृष्णा, बहुत गया था भाई मंदिर करने, माला करने, हो गया, आओ लो पियो, अब ये शराब खोलो, ये बोतल इत्यादि, इससे बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं बस इतना ही,
यही पूजा पाठ इतने ही करनी थी क्या? तो ये भी अर्जुन ऐसा ही प्रश्न कर रहे हैं। अगला एक देखते हैं फिर, और थोड़ा प्रयास करते हैं। एतन में संशयम कृष्ण चेतम छेतुम छेतुम अरस्य शेषत तद्व त्वदन्य संशयास्य संशय संशयस्यास्य चेतन द्युपपदते। पढ़िए सुधा माता जी अनुवाद तात्पर्य। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य, कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव वहिष्ठ रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी वरिष्ठ रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने वरिष्ठ जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है न ही उनके उनसे बड़ा। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इससे इस संदेह को नष्ट कर सके। तो ये अर्जुन जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न कितना कितना सही है ना। देखिए, अभी कुछ कुछ प्रश्न अर्जुन नहीं करते ना तो बड़ा इनकम्प्लीट सा रहता, और फिर संसार में हम संसारी लोग बोलते हैं, अच्छा अर्जुन ने ऐसा तो पूछा नहीं, लेकिन ये क्या, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इस पॉइंट को तो भागवत गीता में टच ही नहीं किया गया, इस पॉइंट को तो टच ही नहीं किया, ऐसे करके लोग बहुत बोलते हैं। अब जैसे भगवान उतने पे छोड़ देते कि भाई सूटेबल प्रैक्टिस, उचित प्रयास और वैराग्य से मन पे काबू पाओ, है? लेकिन अर्जुन अगर ये प्रश्न नहीं करते कि भाई जो बीच में छोड़ गया उसका क्या, तो फिर कई लोग बोलते हैं ना कि भाई स्वामी जी, प्रभु जी, महाराज जी, है ना, कि अगर हम पूरा नहीं कर सके तो क्या गारंटी है भाई, और बेचैनी होगी ना, पूरा नहीं कर सके तो, पूरा नहीं कर सके तो भाई ये इसमें घुस जाओ, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। कई कई ऐसा बोलते ना, एक जन मेरे को कह रहे थे कि है ना, और भागवत गीता बोल रहे थे उन्हें कि भागवत गीता पढ़िए आप, बोले नहीं नहीं प्रभु जी, हम हमारे दादाजी ने या हमारे घर परिवार या पुजारी ने या किसी ब्राह्मण ने बोला ऐसे कि है ना, देखो अभी तुम इसको खोल लोगे और पढ़ना शुरू किया, लेकिन पूरा नहीं समाप्त किया तो बहुत फिर कठिनाई या पाप लगेगा या बहुत कष्ट आने पड़ेंगे, क्योंकि ये तुम एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य शुरू करने जा रही हो और उसको तुम फिर बीच में छोड़ दोगी और कुछ और करने चली जाओगी, तो ये बहुत गड़बड़ लेके आएगा, ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं देगा, ये शुभ संदेश और नहीं लेके आएगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पूरा एक बार में अभी नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरे को पता है, तो बाद में। तो भैया बाद में वो कब आएगा ऐसा, और वास्तव में भगवान के साथ कोई ऐसा नहीं है, भगवत एक भगवत भक्ति है जिसमें एज सच राइट या रॉन्ग नहीं देखा जाता, एक भगवत भक्ति है जिसमें भगवान कहीं किसी को श्राप देने में या कुपित नहीं होते, तो भगवान के पास कोई कमी नहीं है ना, भगवान का वैसा ईगो नहीं है ना
कि देखो तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ ना। भगवान का ऐसा प्रेम में ऐसा भाव नहीं होता ना। भगवान हमसे प्रेम करते हैं और भगवान हमसे अगर कुछ चाह रहे हैं तो हमारा हृदय, हमारा प्रेम ही, और उसमें भी जोर जबरदस्ती से थोड़ी ना कोई किसी का हृदय या प्रेम जीत सकता है। उसमें भी भगवान थोड़ी ना कोई, जो सारी व्यवस्था भगवान ने बनाई है सारी की सारी, तो एक तो सृष्टि क्रम में, सृष्टि लीला में भगवान की ठीक है, सृष्टि गई रचना करी और उसमें सारे कुछ हमें दिए तत्व हमारे रख रखाव के लिए, ठीक है। उससे विशेष करके भगवान ने अपना नाम दिया, हरि नाम दिया ना, स्वयं का नाम दिया जो कि स्वयं से अभिन्न है। फिर संत साधु गण दिए, संत महात्मा दिए, भक्त दिए हमें, शास्त्र दिए, है ना, अर्च विग्रह में भगवान स्वयं आते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं, है ना, अपना धाम भी, लीलाओं का भी हमें बताया। तो सारी व्यवस्था, सारी कृपा भगवान कर रहे हैं, बस हमें भक्तों के संग में आके हृदय को थोड़ा सा सरल बनाते हुए, बिना किसी कपट के, बिना किसी डुप्लीसिटी कुटी नाटी, इन सब को छोड़ के, एकदम त्याग के, पूरा उभर के, एकदम सरलता से, बस निर्मल कोमल हृदय से भगवान की सेवा में जुड़ना, भक्तों के संग। तो ऐसा अर्जुन का प्रश्न है कि क्या होगा अगर कोई बीच में छोड़ देता है, क्योंकि भटकाव तो बहुत है ना संसार में, और आएंगे भी, आएंगे हर प्रकार के भटकाव आएंगे। तो कोई अगर भटकाव में भटक गया और भगवत प्राप्ति के मार्ग से च्युत हो गया, तो फिर उसका क्या हाल है? क्या वो एक भाप के तरह बस, है ना, बादल भाप निकल के बस ऐसे ही विनष्ट हो जाएगा क्या? ऐसे बादलों के झुंड से वो छूट के और फिर पूरा विनष्ट ही हो जाएगा क्या? और उसका किया धराया सब बेकार क्या? जैसे कई इंश्योरेंस पॉलिसीज, कई ऐसी चीजें होती है ना, प्लान्स या क्या, कि आपने भाई हमने 40,000 रुपया का प्रीमियम दिया है अभी तक, कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जी, ठेंगा मिलेगा आपको, गए वो सारे पैसे गए, 40,000 प्रीमियम आपके। कई ऐसे और प्लान्स या कुछ होते हैं ना, कि अगर कुछ इवेंट सक्सेस नहीं हुआ तो भैया इट्स अ लॉस ऑल टुगेदर। तो क्या कृष्णा भावनामृत में भी ऐसा ही है क्या? तो देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह मनाम नामुत्र विनाश विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याण न ही कल्याण कृत कंची दुर्गतिम तात गच्छति। सुशीला माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, त्यक्त्वा सधर्मम् चरणाम्बुजम् हरे जन्न पकोत्थ पते तत्तो यदि यत्र क्वाद्भद्र मुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान के शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है।
भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से धर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का भाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तक तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। आगे कल्याण मार्ग के अनुयायियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों का अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्त की और उन्मुख नहीं होता वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। अनुवाद पढ़िए। भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस श्लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। इतना सुंदर ना, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई हमें तो हर मोटिवेशन, हर इंस्पिरेशन उठा के अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, बैगर्स कैन नेवर बी चूजर्स, या खैर इतना से मेल भी नहीं खाता वो। कहने का कि हमें हर तरह से ये ना के ना प्रकार है ना, मैंने कृष्ण निवेश है ये, किसी ना किसी तरह से हमें भक्ति में आना और आगे और अग्रसर होते रहना, तब और मार्ग खुलते रहेगा और कभी हम नेचुरल है भक्ति करेंगे तो कभी हमें ऐसा भाव नहीं आएगा कि है ना, भक्ति करेंगे कभी ऐसा भाव नहीं आएगा विपरीत की आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग या भय,
भाई कर रहा हूँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सही होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा, ये ऐसे भाव नहीं आएगा। सही साधु संग में हम रहेंगे ना। बाकी तो इसकी देखिए संसार में बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ पूरा करिए इसको, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। है ना। तो ऐसा काम किसी लाभ का है क्या? अपने आप को हम इतना कहीं पे लगा दें, खोदा पहाड़ ना, खोदा पहाड़ मतलब समय का इतना दिया हमने, अपनी शक्ति दी, हाँ अपना सामर्थ्य सब कुछ और दिमाग लगाया, अब क्या कर रहे हैं, खोदने पहाड़ में लग पड़े, खोद रहे हैं पहाड़ खोद, और क्या अल्टीमेट अंत में क्या मिला हाथ में आया, चुहिया। सोचो ये कोई बुद्धि की बात है? संसारी जीवन ऐसा ही है, पूरा का पूरा ऐसा ही है। इतनी कष्ट, इतनी तृष्णा, इतनी आशा अभिलाषा, तृष्णा फिर भी पूरी की पूरी रहती है, इतनी मेहनत करके क्या आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ना माया मिली ना आराम। तो मुख्य रूप से अर्जुन का ऐसा ही प्रश्न है कि भाई जो बीच में अगर छोड़ देता है तो उसका क्या होगा, ना माया मिली ना आराम, उसको तो कुछ भी नहीं मिली ना। तो ये कोई ऐसी जर्नी नहीं है कृष्णा भावनामृत की, टाइम बाउंड कि आपको इसी साल में या इसी जन्म में खत्म करनी है, वैसे प्रेशर वाली बात नहीं है। और जितना करो वो आपका बना रहता है, हमने दूसरे अध्याय में देखा था, संसार में हर चीज की विकृति होती है, डेप्रिसिएशन होता है ना, मकान का, घर का, संबंधों में भी मनमुटाव बिखराव विकृति आती है। नहीं भी आई विकृति तो कितन कब तक है, जब तक शरीर है ना तभी तक संबंध है, फिर संबंध भी छूट जाते हैं, संग छूट जाता है। संसार में हर चीज की विकृति है लेकिन केवल भक्ति की नहीं है। तो कोई थोड़ा सा भी भक्ति करे ना, वैसे तो देखिए भक्ति थोड़ी कर सकते हैं, ज्यादा कोई कर नहीं सकता भक्ति। भक्ति एक ऐसी चीज है जो कोई ज्यादा नहीं कर सकता, 24 ही घंटे दिन में, 24 घंटे से ज्यादा है क्या? तो करके भी हम कितना, 24 ही घंटे भजन कर पाएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसा भाव में हो कि भाई मैं 24 घंटे कर लूंगा भगवान और फिर पकड़ लूंगा, हाँ तो कोई ऐसे अगर मैं आए ना कि आई विल डू इट एंड आई विल कैच यू, अपने मतलब कहने का फिर अपने बल से ना, अपने बल से कि दिखाने के लिए, लुक आई एम स्ट्रांग आई एम स्मार्ट, जो आपने बोल रहे हो ना आगे और बताते हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम, ठीक है मैं थ्रू आउट कीर्तन में जुट जाऊंगा और फिर पकड़ लूंगा। तो इसमें जिसका मैं भाव ज्यादा भारी हो ना, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई विल प्रूव इट टू यू, तो भगवान दूर ही रहेंगे। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा देखिए, कोई अगर मिथ्या अभिमान से भी भजन में जुड़ता है ना, मिथ्या विचार, मिथ्या अभिमान, गलत भाव से कुछ मन में, और भगवान कई आते हैं ना भक्ति में जिनको भगवान नहीं चाहिए होता है, भगवान से कुछ चाहिए भगवान नहीं चाहिए, लेकिन भगवान तो है इतने दयालु कृपालु ना, भगवान स्वयं बोलते हैं ना ध्रुव चरित्र में, हम देखते हैं और भी कि क्या, आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय कहने होती वो, मैं तो बुद्धिमान हूँ, ये मेरा चरित्र मेरा स्वरूप नहीं पहचानता, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूँ तो मैं इसको संसार क्यों दूँ, ये भले ही आया मेरे पास और संसार मांग रहा है, मैं तो मायापति हूँ ना, मैं क्यों माया दूँ इसको। आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय कहने होती वो, स्व चरणामृत दिया विषय भुलाई दी वो, अपने चरणों का आश्रय दूंगा, अपने भक्तों का संग दूंगा, इसे अपनी प्रेमा भक्ति दूंगा, वो देखे सारा विष जो है ना संसार, विषय विषय वासना ना, विषय भोग, विषय भोग विषय वासना विष से समान ही है। विष तो देखो जहर खाने पे क्या होगा, शरीर का ही नाश होगा, हद से ज्यादा शरीर का ही नाश होता है ना, लेकिन ये संसार भोग वासना और असत संग में पड़ जाना, असत संग में पड़ जाना, गलत संग में, महाप्रभु बहुत पर्टिकुलर है, महाप्रभु कल्चर को लेके, एटिकेट को लेके, बिहेवियर को लेके ना, कल्चर को लेके, व्यवहार को लेके, और हमारा शिष्टाचार, एटिकेट, डिसिप्लिन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट महाप्रभु। तो महाप्रभु से प्रश्न किया गया कि भक्ति में, भक्ति के कल्चर के बारे में अगर बताएं, तो महाप्रभु ने तुरंत तुरंत उत्तर दिया, बिना कोई ऐसा सोच विचार लगाए तुरंत, क्या असत संग त्यागी ए वैष्णव आचार, कि एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, कि वो असत संग को त्यागे, है ना, असत मतलब जो टेम्पररी है,
जो हमें शाश्वतता की ओर नहीं ले जाएगा, वैसे संगो त्यागी, असत संग त्यागी यही वैष्णव आचार। और क्या, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्णा अभक्त आर। और असत संग त्यागो, उसमें कौन आ गए, जो स्त्री संगी ना, जिनकी वुमेन वेल्थ वाइन बोलते ना, संसारी विषय वासना में बहुत उनका जिनको आसक्ति है या स्प्रिय या इच्छा है कामना और अपने आप को व्यस्त भी कर रखे, तो वैसे लोगों का संग त्याग है। स्त्री संगी एक असाधु, स्त्री संगी असाधु कृष्ण अभक्त आर, जो असाधु है कृष्ण अभक्त है, जो भले ही बाहरी दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ योग क्रिया में जुड़ा हुआ है माइंड और सेंस कंट्रोल में, बट जो अल्टीमेटली भगवान को नहीं चाहता है, भगवान के चरण कमल की सेवा, भगवान के दर्शन है ना, युगल सरकार को नहीं जो चाहता है, और साधना कर रहे किसी प्रकार से खुद का चित्त की शुद्धिकरण के लिए, ताकि खुद की मुक्ति हो जाए, स्वसुख की कामना से भरा हुआ, कि संसार में इतने कष्ट है, दुख है, रोग है, छूटो इनसे, और भगवान को जिसकी नहीं पड़ी है, बताए भी ना उनको भगवान के बारे में, तो वो उल्टी का भगवान को ही निराकार बना देते हैं, कि भगवान ही एक ज्योति है, आभा है, किरण है, भगवान को ही, भगवान का ही अस्तित्व मिटाने के लिए, या भगवान को एक ज्योति आभा किरण बना के बस, तो ना कोई प्रेम की भाव है, ना कोई सेवा, ना कोई समर्पण, लेकिन उनको संसार नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना अनुभव कर लिया उन्होंने कि संसार में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तो संसार से छूटने के लिए। तो ठीक है, कृष्ण तो सर्व सामर्थ्य है, भगवान ने व्यवस्था सब कर ही रखी है, सर्व सामर्थ्य है ना भगवान ने, तो जिसको देखो, जिसको इस संसार में राग अनुराग है, तो भैया कर्म योग टॉप क्लास करो, क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, मजे करो फिर स्वर्ग में, लेकिन कब तक, एक आयु तक, फिर वापस से क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, स्वर्ग में टाइम अप हुआ तो फिर आओ इस पृथ्वी लोक में, जो भी शरीर पाओ और वापस से करो, और कोई अगर ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहे तो स्वर्ग के ऊपर लोकों में जाओ, फिर कोई अगर ध्यान योग अर्जित करना चाहे तो ठीक है ब्रह्म लोक तक जाओ, या ब्रह्म लोक से बाहर भी निकलो तो भी ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक, ये ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्म ज्योति तक ही, इस संसार की आउटर कवरिंग तक ही। वैकुंठ चिन्मय धाम में प्रवेश नहीं है, उस चिन्मय धाम में प्रवेश होने के लिए अपनी चिन्मयता को समझना होगा, अपनी चिन्मयता का स्वरूप, अपने चिन्मयता का अस्तित्व समझना होगा, तभी हो पाएगा। भगवान के प्रति राग अनुराग अगर उत्पन्न नहीं होगा तो भगवत धाम कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो खोदा पहाड़ निकली चाहिए, संसार में तो सारा ऐसा ही है, प्राय प्राय क्या पूरा ही ऐसा है, इतनी मेहनत में लगे हुए हाथ क्या आ रहा है, ना माया मिली ना राम। तो माया तो देखिए किसी को नहीं मिली है, किसी को मिली है क्या माया संसार में, माया स्वयं ही इतनी फिकल है ना, चंचल है, कहाँ टिकेगी, तो कहाँ आता ही है। मिली से कहने का मतलब है किसी ने पकड़ पाया क्या माया को, सस्टेन कर पाया क्या, होल्ड कर पाया क्या, रिटेन कर पाया क्या, रख पाया क्या, नहीं। तो माया तो मिली नहीं किसी को, भगवान श्री राम जरूर मिले अनेकों को, हमें भी मिल सकते हैं। तो जिस चीज की संभावना पूरी है, भगवत प्राप्ति की संभावना पूरी है, उसी चीज में फिर हमें प्रयास करना चाहिए ना। जिस चीज की श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, माया सुख आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, तो उसमें हमें अपने आप को इतना नहीं उलझाना चाहिए, उसमें नहीं उलझाना चाहिए हमें अपने आप को। और जो फिक्स्ड है, श्योर है, गारंटीड है, करने से मिलेगा ही, सस्टेनेबल हैप्पीनेस ना, कृष्णा भावनामृत सस्टेनेबल हैप्पीनेस है, तो उसमें हमें पीछे हट नहीं करना चाहिए। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजां हरे भजन पक्वो अथो पते ततो यदि, है ना, किसी का भजन अपक्व, भजन पक्का नहीं हुआ, कच्चा रह गया, तो क्या होगा उसको, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजां हरे हरे, है ना, भगवान आपके स्वधर्म, अपने स्वधर्म की रक्षा करते हुए
आपके चरण कमलों का आश्रय किसी ने लिया, भजन में जुड़ा, लेकिन भजन पक्का नहीं हुआ, भजन अपक्व तक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजामहरेर् भजन अपक्वो अथोपते ततो यदि यत्र क्व क्व भद्रम अभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। क्या फायदा, देखो संसार में कितना ही लॉयल ऑनेस्ट बन के रहो, क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, संसार ही मिलेगा। कितना ही स्मार्ट एफिशिएंट सिंसियर पंक्चुअल ऑनेस्ट ट्रूथफुल लॉयल हम बन जाए ना, तो भी बिना भगवान के भजन में जुड़े, बिना भगवान का आश्रय लिया कुछ नहीं मिलेगा, संसार ही मिलेगा। हद से ज्यादा स्वर्ग मिल गया और फिर वापस आ जाओ भाई, और ज्ञान आदि काल से चलते आ रहा है। लेकिन भजन में जुड़े ना, अगर एक कच्चा भी रह गया हो तो भी उतना तो पक्का हो ही गया ना हमारा, उतना तो पक्का हो ही गया। तो इसीलिए भजन में ही जुड़ना चाहिए, भजन में ही जुड़ना चाहिए। तो अगर हम कृष्णा भावनामृत में जुड़े तो देखिए ये जन्म भी हमारा एकदम आनंद में रहेगा अभी से लेके, और अगला जन्म भी परलोक को पाने के लिए, है ना, दिव्य लोक दिव्य धाम को पाने के लिए। जैसे हमने बात करी ना, प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न किया कि इन्होंने कि स्वामी जी आप कैसे कह सकते हो पुनर्जन्म होता है, भगवान है ये सब है? क्या प्रूफ क्या है? लोगों को बड़ा क्रॉस प्रूफ चाहिए होता है, मोटी बुद्धि के ना, तो हमें बस आंखों के आगे दिखाओ, ग्रॉस प्रूफ चाहिए, हम झेल भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा ऐसा रहता है ग्रॉस प्रूफ, ग्रॉस प्रूफ, मोटी बुद्धि के हैं मतलब। तो कि भाई क्या प्रूफ है आपके पास स्वामी जी, भगवान है, कृष्ण है, भागवत गीता ग्रंथ, ये सब सत्य है, पुनर्जन्म होता है, क्यों फिर आप इतना परेशानी ये सब परिश्रम कर रहे हो इस उम्र में, और इतने लोगों को भी आप जुड़ा रहे हो, प्रूफ है क्या आपके पास? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चलो ठीक है, समझ लो हमारे पास प्रूफ नहीं है, और समझ लो एक बार के लिए सब गलत भी है, चलो ठीक है, क्या नुकसान है हमारा, हमें तो कोई परेशानी नहीं, हम तो इतना रिलीज कर रहे हैं, नाम जप करने में, प्रसाद पाने में, कीर्तन हरिनाम प्रोग्राम ये सब करने में, फेस्टिवल करने में, कोई हमें परेशानी नहीं, हम तो इतना आनंद पा रहे हैं इसमें, तो जीते जीते भी हम सुखी भोग रहे ना, और अपने आप को हम मटेरियल सेटबैक आएंगे लेकिन हमें परेशान नहीं कर रहे वो ना? और अगर समझो तो जीते जीते हम सुख भोग रहे हैं, और अगर समझो ये बात सत्य हो गई कि हाँ भगवान है, शास्त्र सत्य है, जो शास्त्र का संदेश है वो सत्य है, भगवान को पाया जा सकता है, पुनर्जन्म होता है, भगवान से प्रेम करें हम, और ये बात अगर सत्य निकल गई तो सोचो हमारा तो लॉटरी लग गई, बेड़ा पार हो गया, और तुम्हारा क्या होगा, सोचो क्या होगा तुम्हारा, तुम अपने यहीं पे लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स ये सब को लेके बैठे के बैठे रह जाओगे, या अपना गुड वर्क है ना, स्मार्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये सब को लेके बस बैठे रह जाओगे। वास्तव में हमें ये सब में इतना नहीं उलझना चाहिए, केवल भक्तों के संग में भक्ति की महिमा को समझे, भगवान को समझे, और उनकी सेवा में जुड़े, तो सारे चीजें आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट नंबर 41 है ना, हाँ 41। प्राप्त पुण्य कृतां लोकान अनु पितान लोकान उषित्वा शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो बिजायते। ये भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो सुशीला माता जी आप अनुवाद पढ़िए केवल, और सुधा माता जी आप तात्पर्य पढ़िएगा। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। सुधा माता जी तात्पर्य पढ़िए। असफल योगियों की दो श्रेणियां है, एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तथा योग्याभ्यास के बाद
भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योग्याभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है कि है, किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो कुछ खोने के लिए नहीं है ना, कुछ भले ही असफल हुआ तो भी। देखिए, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या किन्हीं धनवान कुल के कुल में जन्म लेता है। सो उसको बहुत अच्छा हेड स्टार्ट मिलता है। और जिसने अगर योग में, जो योगा रूढ़ तो दूर की बात, योगा सिद्धि तो दूर की बात, योग में जिसने शुरुआत ही नहीं किया हो ना, भगवत भजन योगाभ्यास में जिसने शुरुआत ही नहीं किया हो, उसके लिए क्या गंतव्य है ना? उसके लिए कोई स्थान नहीं है इतना सुखम। स्वर्ग भी नहीं मिल पाए भाई, स्वर्ग पाना भी कोई हंसी मजाक थोड़ी ना, स्वर्ग पाना। तो इसलिए संसार में अनेकों स्वर्ग पाने वाले भी बहुत कमी है कैंडिडेट स्वर्ग के लिए, जो स्वर्ग के लिए भी रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया बराबर से फिल करते हो, बहुत कमी है। अधिकतर तो देखिए नरकीय जिस हिसाब से जीवन है, नरकी ओर ही जाने के लिए है, या इसी पृथ्वी लोक में पशु पक्षी क्या बने पता नहीं है ना। तो असफल योगी का कुछ ऐसा भगवान की सेवा में जुड़ा है ना, भले ही असफल रहा तो कोई बात नहीं ना, उसको जितनी उसने चेतना अपनी जागृत कर पाई उसके हिसाब से उसको ऊंचे के लोक मिलेंगे और फिर वापस से उसको एक गुड हेड स्टार्ट दिया जाएगा जीवन में। अभी अच्छे कल्चर्ड परिवार में जन्म होना तो देखे सामान्य रूप से बात है ना, कोई हाईकोर्ट के जज के घर में किसी का जन्म हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में जिसका जन्म हो, तो उसके लिए कितनी बड़ी हेड स्टार्ट है कि वो भी हाई कोर्ट का जज बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है ना। और उसको रुपयों पैसों से चिंता करने की बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी उसके सारे सुख साधन उसके लिए उपलब्ध होंगे। जो हाई कोर्ट के जज में घर में पैदा हुआ है तो उसको वो शिक्षा ट्रेनिंग कितना एक्सपीरियंस सब कुछ मिलेगा ना। तो ही हैज अ वेरी गुड हेड स्टार्ट। कोई ऐसे धनी परिवार के घर में जन्म हुआ है तो वेरी गुड हेड स्टार्ट ना। तभी हम देखते हैं कई लोग पहले से उन्होंने भजन कर रखा है तो वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है, संस्कारी परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, धनी परिवार में जन्म मिलता है ना, पहले से थोड़ी बहुत साधना भजन और करी भी है। बट ये है कि उसको हम भटकाव में फिर हम ना लें, उसकी हम रक्षा करें और उसको आगे और लेके जाए, उसको बचाएं, प्रोटेक्ट करें। तो कितने हमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं, लेकिन साधु संघ के अभाव में हम उसको समझ नहीं पाते हैं कैसे उपयोग करें। अब देखिए धनी परिवार में किसी का जन्म हुआ तो उसको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था के लिए इतनी चिंता नहीं करनी होती ना,
इज वेरी रिलैक्स्ड फॉर दोज थिंग्स, तो उसके पास वो अधिक समय और ऊर्जा अपनी लगानी चाहिए ना भजन में जुड़ने के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं करके वो अगर धनी परिवार में जुड़ के घमंड और पाप में वृत्तियों में लग जाता है तो बहुत बड़ा भटकाव है फिर। और ये क्यों होगा ऐसा? साधु संघ के अभाव से, भगवत संघ के अभाव से। इसीलिए हमें साधु संघ को ही खोजना चाहिए पूर्ण रूप से, कहाँ साधु समागम हो रहा वहीं हमें जाना चाहिए। हॉलीडेज और में छुट्टियों में कुछ इतना नहीं है ना, छुट्टी मनाओ भी तो भागवत कथा कहाँ हो रही है, वहाँ जाना चाहिए। वृंदावन जाए, मायापुर जाए, जहाँ कथा हो रही हो रही हो और प्रसंग चल रहा हो। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? जैसे थोड़ा सामान्य रूप से इस संसार में भी हम देखते हैं ना, समझो मेडिकल की कोई एग्जाम दे रहा है MBBS पढ़ने के लिए ना, या इंजीनियरिंग की कोई दे रहा है कोटा में, ये IIT में एडमिशन और के लिए, या और भी IAS इत्यादि ऐसे। तो अब समझे ये नमाक्स आते हैं ना, नंबर रैंकिंग आती है, मेडिकल की बात करो, IIT इंजीनियरिंग की बात करो, या सिविल सर्विसेज की बात करो, समझो मेडिकल की। तो अब अगर किसी ने पूरा 100 में से 100 नहीं लाया लेकिन एक अच्छा परसेंटाइल, अच्छा नंबर आया, तो उसके पास चॉइस रहती है ना कि आप दिल्ली चुन सकते हो, बड़े बड़े शहर में अच्छे अच्छे अस्पताल में आपका नंबर लग सकता है, नहीं तो इसमें लग सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि उसके लिए भाई अगर नहीं बना तो बंद ही हो गया। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर नहीं बन पाए इस जन्म में भक्त तो बस फालतू ही रहा ना। इस जन्म में अगर हम शुद्ध भक्त नहीं भी बन पाए ना तो भी कुछ वेस्ट नहीं जाना है, यही बात है। और क्या फायदा इस जन्म में अगर हम बढ़िया से बढ़िया बिजनेसमैन बन गए हो, बढ़िया से बढ़िया समाज सेवक बन गए हो, बढ़िया से बढ़िया नेता बन गए हो, लेकिन भजन में हमने कोई रुचि नहीं दिखाई, भजन नहीं किया, तो क्या कुछ काम नहीं आएगा वो ना? वो ही माया, जड़ विद्या, जड़ वैभव कोई काम का नहीं है। जड़ विद्या, जड़ बुद्धि लेके क्या है, बिजी फूल ही बनेंगे। ये बिजी फूल के ना लक्षण ऐसे, और फिर अगला जन्म में भी क्या बिजी फूल ही बने रहेंगे जब तक हम साधु संघ को अप्रिशिएट ना कर पाए। तो इट इज मच बेटर टू बी अ स्ट्रगलिंग डिवोटी, है ना, एक गिर पड़ते उठने वाला डिवोटी, स्ट्रगलिंग डिवोटी। इट इज मच मच बेटर टू बी अ स्ट्रगलिंग डिवोटी देन टू बी एस्टेब्लिश्ड कर्मी, एक प्रॉपर कर्मी, एस्टेब्लिश्ड कर्मी। उससे लाख गुना करोड़ों गुना बेटर है कि एक स्ट्रगलिंग डिवोटी बने, मैं स्ट्रगल करते चलूं। क्या फायदा एक एक कर्मी मेंटेलिटी में रह के संसार में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, संसार में कुछ संसार का संसारी वासनाओं में, ये सब सब असत विचार है ना, असत विचार का कुछ काम नहीं आना। तो भले इस जन्म में हम पूरा सत विचार नहीं उत्पन्न कर पाए, थोड़ा शनि की करे, लेकिन वही थोड़ा शनि बहुत बढ़िया है। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतदि दुर्लभ दुर्लभतरम दुर्लभंतर लोके जन्म यदि त्रिशम। अनुजा रीड अनुवाद और हर्षा रीड तात्पर्य। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं
और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। बाद में देखिए, ये कोई कर्मों के हिसाब से नहीं है या चांस की बात नहीं है ना, दिव्य व्यवस्था, डिवाइन इंटरवेंशन। तो साधु संग मिलना ना, ये अहितु की कृपा है, भगवान की कॉजलेस मर्सी है। हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि अच्छा उन्होंने कोई अच्छा ही कर्म किया होगा, तुमने तुम्हारे कर्म हल्के रहे हो इसीलिए देखो तुम्हें साधु संग मिल गया और तुम भक्ति कर रहे हो ना। ये यहाँ पे कर्मों का कोई लेना देना नहीं है सच, ये तो दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत ही। अब ये चीज है कि हमें इसको अनुभूत करना है, इस दिव्य व्यवस्था को, कि हाँ ये तो वास्तव में भगवान की दिव्य व्यवस्था है। अन्यथा देखिए, एक ही घर परिवार में हम देखते हैं ना, भाई बहन इत्यादि है ना, भक्त भक्ति कर रहे हैं एक ही घर परिवार में, लेकिन औरों को नहीं। अब पत्नी भक्त है पति को नहीं होता है, पति भक्त है पत्नी को नहीं होता है, पत्नी पति पत्नी भक्त है बच्चों को नहीं होता। तो ये वास्तव में अहेतु की कृपा है भगवान की, जो कि हमने कभी ना कभी पूर्व जन्मों में महत्पुरुषों का संग किया होगा और उनकी सेवा करी होगी हमने, तो वो सेवा और वो संग इस जन्म में भी हमें वो कृपा दिलाती है कि साधुओं का संग हमें मिल सके। और अब प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम इसको समझ सकें कि भगवान क्या कॉजलेस मर्सी है। नहीं तो देखो अमेरिका की जनसंख्या, भारत में, भारत के बाहर कितना कुछ है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से हमें समझना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, एक बार अनुवाद फिर से पढ़िए, फिर थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन दुर्लभ है। हमें व्यक्तिगत रूप से विचार करना चाहिए कि भाई क्या मैं डिजर्व करता हूँ क्या कृष्णा भावनामृत अभ्यास करता, ये साधु संग, ये जो भगवत कृपा, ये जो ऐसे मित्र इत्यादि मिले हमें भक्ति में पथ में, ये भागवत गीता का अनुशीलन, भागवतम का अनुशीलन, ग्रंथों का अनुशीलन, कीर्तन में रस उत्पन्न करना, भगवान के प्रसाद पाना, ये सब क्या हम डिजर्व करते हैं क्या? इतनी हमारी तो इतनी असत में विलास है, हमारा पूरा का पूरा चित्त तो असत में है ना, इतना मैटर बुद्धि है और भगवान के प्रति भी थोड़ी द्वेष भावना, कितना कुछ है ना भगवान के प्रति रोज, तो हमारा कोई वास्तव में कोई डिजर्विंग नहीं है, लेकिन ये पूरी की पूरी अहेतु की कृपा है कि हम कर रहे हैं। और सोचो सोचो, अगर नहीं आते साधु हमारे जीवन में, भक्त लोग नहीं आते, ग्रंथ भागवत गीता नहीं आती हमारे जीवन में, हरिनाम नहीं आता हमारे जीवन में, तो क्या हो रहा होता मेरा भी, क्या होता, कहाँ जा रही होती मैं, कहाँ जा रहा होता, क्या कर रहा होता अभी मैं। ये व्यक्तिगत रूप से हम चिंतन मनन करें कि ये कैसा ऐसा दिव्य सुख, दिव्य संग, दिव्य
पथ दिव्य प्रोसेस क्रिया हमारे समक्ष आ गई, हमारे सामने। क्या किया इस समय ने बताओ, इस हमने क्या किया? बस ये कृपा कहीं ना कहीं से पिछले जन्मों में हमने मैत संग किया होगा, उनकी कृपा पाई होगी, तो वही कृपा संचारित होके फिर से और हमें मिल रही है। अब इसे हमें इसका पूर्ण रूप से अनुमोदन करना है, इसका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है ना, पूरा का पूरा ये जो इतनी कृपा हमें मिली है, तो अब इसका हम कैसे बेस्ट अपना एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकें, कृतज्ञता कैसे हम अपने व्यक्त कर सकें इस कृपा के और लालसी बने रह के, और से और इस कृपा के लालसी बने रह के और इस कृपा का वितरण करते हुए। ये हमें डिजर्व नहीं करता लेकिन हमें मिल रहा है, तो फिर हमें और इसको बांटना चाहिए, और बांटना चाहिए इस कृपा को, और बांटते हुए इस कृपा के हम हमेशा ही लालसी ऋणी बने रहे। और कभी हमें मान नहीं आए कि मैं तो डिजर्व ही करता था, कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए ना कि देखो मैं तो ऐसे भी ब्राह्मण कुल में ही जन्म हुआ था मेरा, मैं तो बचपन से ही मैंने वेद शास्त्र पढ़ रखे थे, तो इतना दिक्कत नहीं है मेरे लिए कृष्णा भावना में प्रैक्टिस करना, मैं तो पहले भी पूजा पाठ में था ही, तो कोई मेरे को इतना मेरे लिए कोई अनयूजल नहीं है कि डिवोटीज मेरे जीवन में आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसे भी मंदिर के पास में घर था मेरा, तो मेरे लिए तो सरल नहीं था। हम कभी नहीं भाव आना चाहिए, हम नहीं सोच सकते कह सकते कि मेरे लिए तो सरल ही था भाई, मैं तो भक्त बनना ही था, मुझे मैं तो भक्त बनने के लिए पैदा हुआ हूँ ना, ना कभी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के पहले मैं तो बढ़िया लड़की थी, मैं तो सुशील एकदम पूजा पाठ वाली थी, अब बस थोड़ा ऐड ऑन हो गया बराबर से। अगर हम सही रूप से भजन में जुड़ेंगे ना, तो हमें लगेगा कि देखो मैं पहले भी कितनी असत में ही थी, या बस थोड़ा सा सात्विक व्यवहार को लेके बैठी पड़ी थी, और अभी भी कितने गुणों के अंदर ही हूँ, कितने गुणों के अंदर ही, अभी भी कितनी असत वासनाएं पाल ही रखी है क्या हमें? देखो भगवान के लिए रोए हैं क्या अभी तक? और रोना से कहने का मतलब आंखों से लिटरली आंसू निकल, भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की सेवा के लिए, अपनी पीड़ा को लेके लिए भगवान के लिए रोना वो अलग बात है, नाम जप करते हुए भी अपनी पीड़ा को लेके लेते हुए वो अलग बात है कि भगवान स्ट्रगल है, फैमिली चैलेंजेस, फाइनेंस चैलेंजेस, ओ आई डोंट वांट दिस, उसमें थोड़े स्वसुख की कामना ज़्यादा है ना, वो फिर भी थोड़ी अलग बात है, लेकिन एक भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा के लिए, उसमें उत्कंठा एस्पिरेशन, रातों की नींद ऐसी हमारी हराम हुई है क्या, उड़ी है क्या रातों की नींद? लेकिन संसार में व्यापार को लेके, पढ़ाई को लेके, रिश्तों को लेके उड़ जाती है ना रातों की नींद, कितनी डेस्पिरेशन भी हो जाती है, अमेरिका जाना है, यहाँ जाना है, ये व्यापार करना है, ये जॉब करना है, लेकिन भगवान को पाने के लिए वैसी डेस्पिरेशन ये सब नहीं उत्पन्न हुई ना, तो फिर किस बात का हम अपने आप में थोड़ा सा भी गुमान ला सकते हैं कि मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ? ये सारा दिव्य व्यवस्था है, कॉजलेस मर्सी है भगवान की, हमें अपने आप को यही सर्टिफाई करना है कि हम सर्टिफाइड अनक्वालिफाइड है, भगवान को भज भज के यही कहना है, भगवान हम अयोग्य हैं, हम पतित हैं, हम इम्प्योर हैं, और ये वही समझ पाएगा, वही बोल पाएगा जो वास्तव में प्योर है। पैराडॉक्सेस हैं पूरे इस भक्ति मार्ग में, जो अपने आप को श्रेष्ठ या शुद्ध समझता है वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई मैं अशुद्ध हूँ, जो वास्तव में शुद्ध है वही बोल पाएगा कि मैं अशुद्ध हूँ, वो समझ पाएगा। जिसने देखो भक्ति में आके, देखो संसार में पढ़ाई लिखाई करके होता है ना, जॉब जोर में आके, हाँ भाई इस कंपनी में आके मैंने अपना बेस्ट देख लिया, इस जॉब में आके बेस्ट देख लिया, इस सर्कल में आके बेस्ट, तुम्हारा बेस्ट, यूनिवर्सिटी स्कूल में बोलते हैं ना कि विल हेल्प यू फाइंड योर बेस्ट, विल लेट यू नो हाउ एक्सपर्ट यू आर, जॉइन अस, और भक्ति में आके वी विल लेट यू नो हाउ फॉलन यू आर,
कितने इम्प्योर हैं हम, कितने अनक्वालिफाइड हैं हम। तो ये दिस इज टू कंसीडर टू रियलाइज हाउ हेल्पलेस एम आई इज अ साइन ऑफ वंस स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। तो ये दिव्य व्यवस्था, और कभी हमें ऐसा नहीं भावाना चाहिए हमें कि थोड़ा सा भी घमंड का, अभिमान का, या कि अच्छा अब तो मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो इतना तो आता ही है भाई। 16 माला में मेरे को दिक्कत हो जाती है थोड़ा, लेकिन उस 16 में से 8 माला तो कोई दिक्कत नहीं, 8 तो मैं आराम से कर लेता हूँ इतना तो। जब ऐसा ऐसे से भाव आने लगे ना, तो धीरे धीरे देखो फिर क्या भाव बनेगा भाई। 8 में पहले होती थी दिक्कत, अब 12 में कर लेता हूँ, 12 में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के 4 में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर क्या होगा 16 भी मैं कर लेता हूँ ना। तो ऐसे धीरे धीरे बस अब हमें लगे हाँ ठीक है, ये सब मैं अपनी मेहनत से कर लूंगा, पा लूंगा, चल रहा है, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम मच बेटर, आई एम मोर एडवांस्ड, आई हैव एडवांस्ड अ लॉट, आई हैव कम अ लॉन्ग वे, ये सारे भाव आते रहेंगे धीरे धीरे, सटली रूप से, सूक्ष्म रूप से हमें मान अभिमान आ ही जाएगा, फिर बाद में कैजुअलिटी आ जाएगी ना, शिथिलता आ जाएगी। और ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है भक्ति में फिर शिथिलता आने पे, और माया हमें सेटल डाउन करा देगी, सेटल डाउन। लेकिन सेटल डाउन भक्ति में वही बात ना, भक्ति कोई ज्यादा नहीं कर सकता, कोई भक्ति में ऐसा नहीं कह सकता ओके आई एम वेल सिचुएटेड नाउ इन भक्ति, यस आई हैव एस्टैब्लिश्ड माय सेल्फ एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम वेल सेट, आई एम फर्मली एस्टैब्लिश्ड, ना। भक्ति में तो हमेशा भाई माया आप बहुत भारी हो, भगवान मैं इतना पतित हूँ, तभी हमारी कृपा, उसी कृपा को आकृष्ट करना है। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो भगवान कह रहे हैं अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता ना, तो उसको हेड स्टार्ट मिलती है, जो अति बुद्धिमान है, संस्कारी सभ्य परिवार में जन्म मिलता है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, आज के डेट में बहुत कम होंगे ऐसे परिवार, पाश्चात्य देशों में तो पाना ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत कम है, भारत में भी है ना, कई ब्राह्मण परिवार में जन्म होते हैं लेकिन देखो मांस खाते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म होते हैं लेकिन देखो शराब पीते हैं, कई है ना, ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गए क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट है, क्रिकेटर बन गए, ब्राह्मण परिवार में जन्म हो के क्या कंप्यूटर की नौकरी कर रहे हैं, अपना ब्राह्मणिकल कल्चर जो उनको एक है भी ना, वो प्रोग्रामिंग कोडिंग ये सब में लगा रहे हैं, या किसमें मैथ्स के, मेडिसिन के फॉर्मूला रटने में, ये सब में इतना अपने आप को लगा रहे हैं, है कि नहीं, क्या क्या फॉर्मूला मैथ्स के रटने में, क्या क्या फॉर्मूला मेडिसिन के, जो MBBS की पढ़ाई करते हैं शायद दूसरे या तीसरे साल में कई दवाइयों के नाम रटाते हैं ना, तो उन दवाइयों के नाम रटने में, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन देखिए ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, वो सरल सुगम मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए ना, और औरों को उसमें जागृत कराए। तो अच्छे कुल परिवार में जन्म पाना, वैष्णव परिवार में पन जन्म पाना सौभाग्य है, लेकिन कलयुग में ना कहीं पे भी हमारा सिक्योरिटी बोल के नहीं है, बहुत भटका हुआ, ऐसे ही बहुत डर की बात है ना भाई, गरीब परिवार में जन्म हो जाना फिर भी कलयुग में थोड़ा ठीक हो जाए, गरीब में जन्म हुआ है थोड़ा कष्ट तो आएगा लेकिन मैं वैल्यूज प्रिंसिपल्स मॉरेलिटी समझ सकूंगा संसार के, धनी परिवार में जन्म हो तो घमंड ज्यादा आ जाए क्योंकि वो बैक्ड अप नहीं है ना उस कल्चर से, अति आवश्यक है। खैर जो मूल रूप से जो भजन में जुड़ा उसको खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, घबराने वाली कुछ बात नहीं है, उसके लिए इस जन्म में भी सब बढ़िया, अगले जन्म में भी सब बढ़िया, और मुख्य हमेशा हमें कृतार्थ रहना चाहिए साधु संघ को लेकर, कितनी अहेतु की कृपा है कि हमें साधु संघ मिला, भगवत संघ मिला है ना। तो इसमें
ऐसा नहीं है 5 साल बाद, जैसे देखो अंग्रेजी में एक बोलते हैं ना फैमिलियरिटी, इसको कंप्लीट करिए अगर कर सको तो, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, मेरे को स्मरण में नहीं आ रहा है। ज्यादा किसी के साथ यारी दोस्ती हो जाए, खुलापन ना हो जाए, फैमिलियर हो जाए ना, तो लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप। हाँ घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अब देखो कईयों को भक्तों को ना, घर पे कोई भक्त होगा तो उनको लगता है भाई इसको क्या पता है, इसको क्या पता है, छोटा है भी ये, इसको क्या पता है, ओ बाहर बाहर, हाँ वो देखो उनको बहुत पता, उनको बहुत पता इत्यादि। तो और फिर और भी ऐसा ना, देखो ये कितनी विडंबना है। अगर कोई समझो कोई भक्त है, कोई संन्यास है, ब्रह्मचारी है कोई ना, सैफरन भगवा कपरा में आश्रम में रहता, समझे दिल्ली में वृंदावन में आश्रम में, दिल्ली में बंबई में आश्रम में, ब्रह्मचारी रूप से मंदिर में सेवा कर रहा है, सैफरन में रहते भैया, कि इन्होंने संन्यास ही ले रखा हो। तो समझे कोई अपने भाई को, ये प्रश्न है बताइए इसको, कोई अपने भाई को ब्रह्मचारी मानता है, जानता है कि हाँ मेरा भाई ब्रह्मचारी है, ये अच्छा दृष्टि है, अच्छी समझ है, या कि वो जो ब्रह्मचारी है ना वो मेरा भाई है, ये अच्छी दृष्टि समझ है बुद्धि है, कौन सी और दिव्यता की दृष्टि समझ बुद्धि है, कि मेरा भाई ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारी जो है वो मेरा भाई है, मेरा भाई डिवोटी है या डिवोटी जो है ना वो मेरा भाई है, मेरा भाई सन्यासी है या जो सन्यासी है ना वो मेरे भाई है, कौन सा विचार, कौन सी भावना, भावना हाँ विचार से भी ऊंचा, कौन सी भावना, कौन सी समझ जिसमें हम फिक्स्ड अप हो, इनमें से कौन सी समझ है जो दिव्यता की बात है। इसमें दिव्यता है क्या, कि समझना कि जो मेरा भाई है वो ब्रह्मचारी है, या इसमें दिव्यता है कि जो ब्रह्मचारी है वो मेरा भाई है। जो ब्रह्मचारी है वो मेरा भाई है। इसमें दिव्यता नहीं है। ओके और कोई कुछ कहना चाहे, और दूसरी बात क्या थी अर्षा, दूसरी बात भी बोलो फिर। दूसरा है कि जो मेरा भाई है वो ब्रह्मचारी है। ठीक और कोई कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है तो अब हर्षा, अभी भगवान सब कुछ तो हम भगवान को केंद्र में करके ना, भगवान के उद्देश्य से भक्ति करी जाती है ना, भगवान को पाने के लिए भजन है। भक्ति मतलब क्या, हृदय की सरलता, क्योंकि भगवान से ही हमारा अटूट संबंध, अनादिकाल से संबंध, भगवान को ही पाने के लिए भगवत बुद्धि भगवत विद्या इत्यादि ना। तो अब ये बताओ आपने क्या बोला, कि जो श्रेष्ठ दिव्य वाली कौन सी बात है, कि जो बताओ फिर से क्या दिव्य वाली बात है, कि जो ब्रह्मचारी है वो मेरा भाई है ना। तो भाई भगवान के निकटतम है या ब्रह्मचारी भगवान के निकटतम है, एक बात तो ये हुई कि जो ब्रह्मचारी है वो मेरा भाई है, और दूसरी बात क्या। तो ब्रह्मचारी ज्यादा क्लोज है भगवान से। तो दूसरी दूसरी बात क्या, कि जो मेरा बात, जो भाई मेरा है। भाई हाँ है वो ब्रह्मचारी। तो अब बताओ संबंध के या ऐसे बुद्धि इससे व्यवस्था के अनुरूप, ये कौन भाई भगवान के निकटतम है या जो ब्रह्मचारी है वो भगवान है? कौन कौन किसमें मेटीरियल आइडेंटिटी है, किसमें स्पिरिचुअल दृष्टिकोण है। ब्रह्मचारी को अपना भाई समझना है ना, कि वो जो ब्रह्मचारी है ना वो तो मेरा भाई है, तो इसमें शारीरिक संबंध आ गया ना, देहात्म बुद्धि के अंतर्गत बॉडीली आइडेंटिटी, ये फैमिलियरिटी। और अपने भाई को चलो ब्रह्मचारी हटाओ, मेरा भाई भक्त है, ये श्रेष्ठ बुद्धि है रखना, या ये श्रेष्ठ बुद्धि है कि जो भक्त है वो मेरा भाई है। तो अगर मैं ये सोचती हूँ या कहती हूँ कि मेरा भाई भक्त है,
जो मेरा भाई है वो भक्त है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत शो ऑफ करने की बात हो गई, घमंड। क्यों भाई, घमंड की क्या बात है, जो जो बात है वो बात है ना भाई। और तुम्हें शो ऑफ है तो भाई मेरे मेरे पे क्या शो ऑफ है। हाँ भाई, मेरे भाई पे मेरे को है ना अभिमान है कि माय भाई, मेरा माय ब्रदर, ही इज अ डिवोटी, है ना। और इसमें शो ऑफ की क्या बात है, इसमें तो प्रशंसा या ग्लोरिफिकेशन होना ही चाहिए ना। ऐसे तो देखो लोग बोल भी सकते हैं ना भाई, तुम्हें कृष्णा के पे बड़ा शो ऑफ करते हो तुम भाई, शो ऑफ की क्या बात है। और कृष्णा डिजर्व्स इवन मोर, ये तो हमारी कमी है, हम इतना कर भी नहीं पाते भगवान की कीर्ति का गुणगान, हमें सामर्थ्य भी नहीं है कि हम उतना कर भी सकें, लेकिन ये कृपा है भगवान की, टूटी फूटी भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसमें इसमें घमंड या वैसी कोई बात नहीं है, शो ऑफ या मिथ्या अभिमान वाली क्या बात है। अभी समझो तुम्हारा भाई आईआईटी या ऐसे हो जाए कोई, हाँ तो उसमें क्या भाई, है वो आईआईटीएन, है वो इंजीनियर, क्या शो ऑफ की बात है भाई। अब है मेरा भाई इंडिया क्रिकेट टीम का कैप्टन, है मेरा भाई 50 करोड़ कमा लिया उसने 25 साल की उम्र में, बात तो यथार्थ है ना। तो कौन सा भाव श्रेष्ठ है, मेरा भाई भक्त है या जो भक्त है वो मेरा भाई है, किसमें दिव्यता है। और दिव्यता को हम कैसे नापे भापे कि हाँ भाई कौन सा विचार, कौन सा जो बुद्धि है, कौन से जो भाव है भगवान के कितने निकटतम हो। अपने भाई को, अच्छा इस प्रश्न को ऐसे बताओ फिर, अपने भाई को तुम भक्त के रूप में देखना चाहोगे या भक्त को अपने भाई के रूप में देखना चाहोगे। भाई को भक्त के रूप में देखना चाहेंगे। कुंती महारानी की भी तो यही प्रार्थना थी ना, या कुंती महारानी ने भी यही बोला ना भगवान को स्तुति में कि कृष्णा इन पांडवों में जो मेरी ममत्व है ना, जो ममता का भाव है, अहमता और ममता, ये जो इनमें ममत्व है मेरा, उस पास को काटो, काटो उस पास को, और केवल पांडवों में नहीं यदुओं के प्रति भी है ना, यदुकुल के प्रति भी। तो यदुकुल तो भगवान के कुल के लिए कह रहे हैं ना, कुंती अपने पियर वालों के लिए कह रही है, उनके प्रति भी जो मेरा ममत्व है ना उस पास को काटो, और पांडवों के प्रति भी, अपने ससुराल वाले के प्रति भी जो मेरा ममत्व उसको काटो। तो कहने का क्या आशा कुंती महारानी भगवान से कह रहे हैं कि इनमें मैं जो ये देहात्म बुद्धि या ये विचार लाती हूँ ना, ये मेरे बच्चे हैं और वो मेरा भाई है वसुदेव, तुम मेरे भांजा हो। अभी कुंती महारानी भगवान को ये दिव्य बुद्धि है क्या कि कृष्णा तुम भगवान, तुम मेरे भांजा हो, या मेरा भांजा जो है वो भगवान है। ना तो कुंती महारानी की भी यही प्रार्थना है स्तुति में, वो कहते हैं ना भगवान से कि ये जो मोह पास है ना, इससे मोह उत्पन्न होता है देहात्म बुद्धि से, मैं अपने पांडवों में जो मेरी ममत्व है और इनमें यदुओं में जो मेरा ममत्व है, ये संसारी मोह उत्पन्न करवाता है मेरे में, इस मोह पास को, इस ममत्व को काटो। और तो भगवान भी एक प्रकार से, तो भाई तुम्हें बुआ जी मेरे ऊपर भी आपका ममत्व है ना, उसको भी काटने के लिए कह रहे हो क्या, इन सब को काटो ऐसे क्या। बोले ये देहात्म है कि भाई मैं तुम्हें अपना भांजा समझू, मतलब ब्लड रिलेशन, मटीरियल रिलेशन, इस ममत्व को काटो, इसको नहीं देखना है। और मैं कैसे देखूं कि जो मेरे बालक है वो तुम्हारे भक्त है, तुम्हारी शरणागति, तुम्हारे आश्रय में है ना, दे आर योर सरेंडर्ड सोल, यू आर देयर केयर टेकर, यू आर देयर प्रोटेक्टर। और जो मेरे यदुओं में भी है वो भी तुमसे ही उनका संबंध है, उससे उस संबंध से मेरे को परिचित कराओ, वैसी बुद्धि मेरे में डालो। तो अभी समझो कोई अपने सन्यासी को भाई समझ ले,
ब्रह्मचारी या भक्त को भाई समझ ले तो एक फैमिलियरिटी आ जाएगी ना ऐसी बॉडीली आइडेंटिटी को लेके। और ऐसा देखो होता है ना, शो ऑफ वाली बात भी आपकी ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है ना। अभी कई डिवोटीज हैं यूट्यूब में बड़े पॉपुलर है ना, तो अब समझो उनका कि भाई पता है मेरी जो बहन है वो कीर्तनिया इतनी बड़ी, हाँ वो कौन है कीर्तन, अरे वो मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। तो इसमें जो अहमता और ममता की ना, मेरा भाई है मेरी बहन है, देखो देखो मैं ये मेरी बहन है, देखो देखो मेरा भाई है, ये बॉडी रिलेशन ये बहुत स्ट्रांग आ जाएगा। लेकिन हम ये समझे ना कि जो मेरे भाई है वो भक्त है, जो मेरी बहन है वो भक्त है, तो वो हम भगवान की ओर जा रहे हैं, वो भगवत बुद्धि है। तो ये इसी बुद्धि को जागृत करना है हमें, तभी तो संसार में संसारी संबंधों से छूटेंगे हम और इनको भगवत संबंध बनाना है ना। अभी संसार में ये बात तो है सभी भक्त नहीं है, लेकिन सबको कृष्ण के कृष्ण के प्रिय है, कृष्ण उनमें हृदय रूप में परमात्मा स्वरूप से हृदय में विराजमान है, इतनी बुद्धि तो विवेक तो हम रखे ना, तो उतना उनके मान सम्मान दें, और बाकी जो भक्ति में उनको तो हम भक्त माने, भक्त माने ना। भाई की पद बड़ा है या भक्त का पद बड़ा है, कौन सा पोजीशन बड़ा है, भाई का पोजीशन या भक्त का पोजीशन, भक्त का भक्त का ना। तो दैट इज अ रियल प्रोमोशन कि मेरे भाई को मैं भक्त मानू, भक्त के रूप में देखो। यस माई ब्रदर इज अ डिवोटी, माई सिस्टर इज अ डिवोटी, माई मदर इज अ डिवोटी, वट आई मीन टू से, अभी किसी के पति डिवोटी हो तो हाँ मेरे पति भक्त है, तो वो भक्त बुद्धि आएगी। वरना पति भक्त है डबल इनिशिएटेड हो, है ना, ब्राह्मण इनिशिएटेड हो, लेकिन उनको पति बुद्धि से देखेंगे तो फिर मन मुटाव सब फिर आएगा ही आएगा, और मेरे को साड़ी चाहिए, मेरे को घुमाने लेके जाओ, ये सब करो। लेकिन अगर पति को भक्त रूप से देखेंगे तो फिर पति के साथ व्यवहार बदलेगा ना पूरा का पूरा, पिताजी को भक्त के हिसाब से देखेंगे तो व्यवहार बदलेगा, और उसके लिए पिता भी भक्ति में करें। तो ऐसे ही हमें अपने व्यवहारों को बदलना है, संबंधों को, संबंधों में जो बुद्धि है उनको बदलना है। ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर हम अपने भक्त को भाई समझ लेना, मतलब कि जो वो जो भक्त है ना, अच्छा वो जो सिलिकॉन वैली टेम्पल में ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा करता है, हाँ सैफरन में ही है, वो मेरा भाई है तो वो थोड़ा सा फैमिलियरिटी आ जाएगी, फिर हम उसको घर की मुर्गी दाल बराबर, या हाँ भाई भाई है, भाई है, भाई है मेरा, ये करके, और वो भाई भी भक्त के ठीक है ओके यस शी इज माई सिस्टर आई एक्नॉलेज, लेकिन वो आत्मीयता का भाव वो उत्पन्न ना हो पाए। लेकिन जो समझो ऐसा बोलो, अगर जो सिलिकॉन वैली में ब्रह्मचारी आश्रम में सैफरन में मंदिर में डेटी वर्शिप करता है और भी प्रचार की सेवा और कार्य उठा रखा करता है, वो जो है ना वो भक्त है, मेरा भाई जो है वो भक्त है, तो फिर हम उसको भक्त के दृष्टिकोण से देखेंगे ना। और जिस दिन हम अपने ऐसे समझो भक्तों को भक्त के दृष्टिकोण से देखने लग गए, भगवान कहाँ छुपे रह जाएंगे, फिर बताओ भगवान छुपे रह सकते हैं क्या। जिस दिन हम ये कल्चर, ये पूरा कल्चर व्यवहार की बात है, बाकी तो डिटेल्स है। देखो देखे नाम जप अध्ययन इत्यादि, सुबह उठना नहाना धोना है ना, टाइम से रसोई में स्वच्छ होके जाना, काफी ऐसे नियम है, पेट साफ हो जाए तो फिर नहा के आओ, कई नियम है, कई ऐसे एटिकेट्स है वैष्णव कल्चर और में, और कई ऐसे चीजें हैं, सब कुछ अध्ययन के अंतर्गत भी, साधना क्रम के अंतर्गत भी, लेकिन मुख्य रूप से क्या है वो कल्चर व्यवहार में आने के लिए। जिस दिन हम भगवान के भक्तों को भक्त के रूप में देखने लगे और ये सद्बुद्धि हमें उत्पन्न हो जाए कि कैसे भक्तों के साथ व्यवहार में रहा जाता है, कैसे भक्तों के साथ डीलिंग करी जाए, कैसे भक्तों के साथ रहा जाए, तो फिर भगवान कैसे छुपे रहेंगे, क्योंकि भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं ना, रह ही रहे हैं अभी भी, किसी ना किसी धरा धाम में, किसी ना किसी
धाम में है ना, धरातल में कहीं ना कहीं पे किसी ब्रह्मांड में अपनी लीला कर रहे हैं भगवान निज रूप में। बाकी नाना अवतार रूप से भी कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र के रूप से, नरसिंह भगवान के रूप से, वरा वामन जी के रूप से, कली था ना वामन अवतार, तो कर रहे हैं भगवान। अब भगवान लीलाएं करते हैं किनके साथ? जो परिचित है उन्हीं के साथ ना, जो ट्रस्टेड है, जो भक्त है, भक्तों के साथ ही लीला करते हैं ना भगवान। हम भी देखो लुका छुपी का खेल खेला होगा ना बचपन में, पकड़ा पकड़ी का, लुका छुपी का। अब किन्हीं के साथ खेला? जो गली मोहल्ले में जान पहचान के बच्चे हैं उन्हीं के साथ ना। अपरिचित लोगों के साथ हम खेल लेंगे क्या लुका छुपी या कहीं घूमने फिरने? ना। तो भगवान भी लीला करते हैं अपने भक्तों के संग ही ना, जो ट्रस्टेड है। और भगवान और भक्त का एक व्यवहार है, रहने की एक स्टाइल है, भक्तों के बीच में भी परस्पर रहने का एक व्यवहार है, एक स्टाइल है। तो जिस दिन हमने अपने भाई को, चाचा को, नाना को, जो कि भक्ति में है, भक्ति कर रहे हैं, और ये बुद्धि हटा दी ना कि ये मेरे चाचा है, ये नाना है, और वो ये है कि यस इज अ डिवोटी, वो भगवत दृष्टि बुद्धि से हम उनको देखने लगे, तो फिर हमारा भगवत पथ का मार्ग और चौड़ा खुल जाएगा शीघ्र ही। तो इस विद्या, इस विवेक को उत्पन्न करना है, विवेक, यस, ऐसा विवेक को उत्पन्न करना है, वरना फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट ना। ज्यादा किसी से जान पहचान हो जाए, देखो संसार में हम बोलते हैं ना, अरे उसके साथ खुल गई, मैं खुल गई तो उसके साथ अब फिर बोलने लगी तो अब वो मेरी रेस्पेक्ट भी नहीं करती है, होता ना कई बार। देखो घर पे स्टाफ रखते हैं दुकान में, या उसके साथ अब खुल जाओ मुंह स्टाफ के साथ, तो स्टाफ ही क्या ना, साथ में ही पान खाएगा, बैठ के कुर्सी में ही बैठेगा, हाँ बदमाशी करेगा और फिर बदतमीजी करने लग जाएगा, और फिर स्टाफ फिर उल्टा जवाब देना, इंसल्ट करना इत्यादि, या स्टाफ मालिक समझेगा नहीं ना, वो व्यवहार में नहीं रहेगा। तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बात सत्य है, बहुत व्यवहारिक जीवन में ये सब बहुत अच्छी बात है, एकदम लागू सटीक बैठती है। तो ऐसा ही भक्तों के साथ भी ना, कि भाई ये क्या है, इनको तो मैं 5 साल से जानती हूँ, 10 साल से जानती हूँ इनको तो, हाँ वो तो भक्त को मैं बहुत जानती हूँ, बहुत उनके साथ रही, बहुत सुना, बहुत सेवा भी करी उनकी। तो ऐसा ऐसा ना, हम कभी नहीं कह सकते मैंने भक्त की बहुत सेवा कर ली बहुत संग पाया उन डिवोटी का, ही इज माई मेंटर, ही इज माई गाइड, ही इज माई इंस्पिरेशन, एंड आई हैव गॉट immense association from him, lots and lots, na baba, and I have served him a lot, na, samjho, do bhakt baat kar rahe hain ki, aray un prabhu ji ko, haan haan, unko main 20 saal se janti hoon, hum usi mandir mein saath mein book distribution, to maine unki bahut seva kari hai, bahut, ye bahut kabhi hum kar hi nahi sakte seva bhakton ki, hai na, aur kabhi hum aisa nahi hai ki bahut sang mil gaya hame bhakton ka, bahut paya, इतना जरूर है हाँ, कृपा खूब मिली है हमें, ये अनुमोदन करना चाहिए हमें, संग भी अच्छा मिला है, लेकिन तृप्ति नहीं आ जाए कि भाई बहुत कृपा मिल गई, उसमें क्या ना एक मान अभिमान आ जाएगा, भाई आई एम वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। जैसे कई होता है ना, देखो यादवों को, जिनका सरनेम यादव या इत्यादि, पता है ना, एक दिन एक गुड़गांव में मिले थे एक जन, पता है मेरा नाम क्या है, फलाना यादव हूँ मैं, ये यादव मेरा नाम है, तो मैं यदुकुल में का ही हूँ, भागवत गीता और ये क्या दे रहे हो मेरे को हिसाब से। कई बंगालियों को बहुत होता है, विशेष करके कई बंगाली लोग, ये उड़िया लोग भी या बंगाली लोग जो भारत के बाहर भी, देखो आप हरिनाम प्रचार में और ऐसे, कि ओ ये तो हरे कृष्ण हमारा बंगाल का ही है, बंगाल का ही है। तो देखो भगवान को बंगाली बना देते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु तो हमारे बंगाली थे, बंगाली थे, बंगाल का ही हमारा, ये तो ये सब बंगाल से ही निकला है पूरा कृष्णा भावनामृत, प्रभुपाद को बंगाली बना। अब ये प्रभुपाद को बंगाली समझना है, ये भगवत बुद्धि है क्या? ये प्रभुपाद तो मेरे गांव से ही थे, हमारे मेरे शहर से थे, मैं भी वहीं पे रहता था जहाँ पे प्रभुपाद रहते थे ना, मैं 4 गली छोड़ के बाहर रहता था, तो हमारे ही थे भाई, हमारे ही गली के थे। ये भगवत बुद्धि नहीं है ऐसी, ये मैटर कॉन्शियसनेस, ये
शो ऑफ या इस प्रकार के एक सेल्फ कॉन्शियसनेस या ऐसा कही है ना नेपालियों को या ऐसे हिंदुओं को अगर होने हाँ हमारा नेपाल तो हिंदू राष्ट्र या कई बंगालियों को ऐसा कि वो महाप्रभु हरे कृष्णा तो हमारे बंगाल से ही हुआ जी सब कुछ बंगालियों का हमारा ये कल्चर इत्यादि लेकिन अपने आप प्रैक्टिस में वो इतना नहीं हो और जो वास्तव में प्रैक्टिस में जुड़ जाएगा ना वो अपने आप को यही पाएगा कि भाई मैं कितना गिरा हुआ हूँ देखो बंगाली परिवार में भी जन्म हुआ इतना बहुत कल्चर्ड है ना बंगाली लोग वेरी टैलेंटेड एंड ऑल तमिलियंस दे आर सो ब्राइट सो कल्चर्ड ये तेलुगु बंगाली बाप रे बहुत बढ़िया कितने अच्छे अच्छे भक्त निकले ना मराठा मराठीज में देखो लेकिन उस कल्चर को अगर हम सही से फॉलो करें ना अगर कृष्णा भावनामृत कल्चर को तो यही हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि लुक आई एम सो फॉलन आई बीन गिवन ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई बीन ब्लेस्ड विद सच गुड एसोसिएशन बट इट इज अ डेफिशिएंसी ऑन माय पार्ट ओनली एंड आई एम सो स्टिल बिलो पार स्टैंडर्ड आई एम मेंटेनिंग आई एम सो फॉलन और ये जेन्युइननेस में आना चाहिए ये जेन्युइननेस में तो छल कपट कुटी नाती ये सब से हमें एकदम डिस्टेंस अपने आपको नेचुरल जेन्युइन पॉलिटिक्स मैनेजमेंट ये सब से नेचुरली हमें जेन्युइनली ऐसे विचारों से गॉसिप्स ये सब से एकदम दूर कैसे नेचुरली हटेंगे जब किसी शुद्ध भक्त एडवांस वरिष्ठ भक्त के संग में आएंगे क्योंकि उनकी भक्ति की उर्मी ऊर्जा है ना उनके भक्ति का तप वो देखेंगे ना तो हमें लगेगा हाँ भाई यहाँ कोई सच्चा भक्त है जैसा कई बार पिक्चरों में बोलते हैं ना जिस दिन एक सच्चे पुलिस वाला तुम्हारे पीछे पड़ गया ना तो उस दिन तुम सब सच उगल दोगे उस दिन सारे चोर डाकू घबरा जाएंगे भाग जाएंगे पकड़ में आ जाएंगे है ना बोलते ना इंटरोगेशन में जिस दिन एक सच्चा पुलिस वाला आ गया ना तुम्हारे सामने उस दिन देखो तुम फिर तुम्हारी चोर की पूरी बुद्धि काबू में आ जाएगी तो वैसे ही जिस दिन एक शुद्ध भक्त आ जाए हमारे जीवन में तो फिर अब हम भी भक्त शुद्ध भक्त बन ही जाएंगे उनकी चरणाश्रय में रहते हुए तो यही पुकार होनी चाहिए कि भगवान आपके शुद्ध भक्त को भेजिए तो थोड़ा और चिंतन करें हम देखें है ना कि अपने भाई को भक्त समझना मेरा भाई भक्त है ये ऊंचा भाव है ऊंचा विवेक है भगवत भाव भगवत विचार भगवत बुद्धि है या ये समझना कि जो भक्त है वो तो मेरा भाई है भगवान के करीब कौन है भक्त है या भाई ब्रह्मचारी है या भाई है ना वो जो सन्यासी है ना वो तो मेरे चाचा जी हैं यार मेरे चाचा पता है कौन है सन्यास है सन्यासी चाचा नहीं है मेरे सन्यासी है वो भगवान के हैं ठीक है कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो ओके लेट्स सी नेक्स्ट ये पूरा सीक्वेंस में एक्चुअली 45 तक तो तत्र तुम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन ओके नेहा जी आप पढ़ पाओगे क्या अनुवाद तो हाँ सुशीला माता जी आप पढ़िए अनुवाद ओके तो सुशीला नेहा तुम तात्पर्य पढ़ना सुशीला माता जी आप अनुवाद पढ़िए हे गुरु नंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है नेहा पढ़िए तात्पर्य राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम
ब्राह्मण कुल में जन्म मिला पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत वृद्धि भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जर भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते ना थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महात्मा योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। ने अनुवाद पढ़िए। हे करुणा नंदन गुरु नंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। Head start, inspiration, motivation मिलता है ना, and then can go along more further. अब देखो, देखिए संसार में तो देखो, देखिए जो हम दे रहे ना, जिस बुद्धि से, जिस विवेक बुद्धि से, जिस समझ से ना, जिस भाव से हम इस संसार में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब क्या, देखो उम्र के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, है ना, व्यवहार के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से इत्यादि। लेकिन कहने का हम जितना असत असत वासनाएं समझ, टेम्पररी मटेरियल वासनाएं समझ, बुद्धि इत्यादि इकट्ठा करके इस संसार में आगे बढ़ रहे हैं, तो अगले जन्म में वही पाएंगे। और भगवत बुद्धि लेके जा रहे हैं तो अगले जन्म में वो मार्ग खुलते रहेगा और खुलते रहेगा। फिर एक दिन अगले जन्म में इतनी बढ़िया सुव्यवस्था बैठेगी कि एक भगवत पुरुष का हमें सानिध्य मिल जाए और फिर उनकी कृपा पात्र, उनकी कृपा मात्र से, उनकी कृपा पाके हम भगवत धाम को अग्रसर हो सकते हैं, भगवत सेवा में, है ना, हमारे स्वरूप सिद्धि हो सकती है, हमारे स्वरूप को हम पा सकते हैं और हमारे स्वरूप के अनुरूप हम व्यवहार में भी आ सकते हैं उनके मार्गदर्शन में चलते हुए। और जैसा तात्पर्य में भी यही समझा रहे ना, भरत महाराज थे, वो राजा थे, राजपाट छोड़ा उन्होंने और फिर क्या, वन में गए ध्यान और क्या, लेकिन एक हिरण में उनका मोह हो गया उत्पन्न, तो फिर क्या हिरण शरीर मिला उनको, लेकिन क्योंकि भाव की अवस्था तक थे लेकिन फोकस लूज हो गया। यही अर्जुन की बात भी है ना, जिसने पूर्ण कृष्ण प्रेम नहीं पाया लेकिन साइड ट्रैक हो गया, फोकस छूट गया किसी भी कारण से, कोई मटेरियल कारण तो वैसे मटेरियल ही होगा, हाँ, तो फोकस छूट गया। तो वैसे वही भरत महाराज के साथ भी, राजा थे लेकिन क्या हुआ, एक हिरण में मोह उत्पन्न हो गया, हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, फोकस छूट गया उनका, फिर हिरण में आसक्त हो गए, भाव के स्टेज में पहुंच गए थे फिर भी बाद में हिरण में आसक्त हो गए, तो क्या अगला जन्म उनको हिरण के रूप में मिला। लेकिन भगवान की कृपा कि उनकी स्मरण बनी रही, ये भगवान की विशेष कृपा उन पे,
कि उनकी स्मरण मेमोरी पूरी बनी रही कि पिछले जन्म में मैं राजा था, ऐसे ऐसे मैंने पत्नी को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया सब, लेकिन एक हिरण के मुंह में फंस गया मैं। और बहुत बहुत दिव्य कथा है, बहुत गहराई, बहुत शिक्षाएं उसके अंतर्गत, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम समझे तो ये ऐसा स्मरण उनको रहा कि पिछले जन्म में मैं राजा था, इतना बढ़िया राजा था, और टाइमली मैंने रिटायरमेंट लिया, अपने बच्चों को ट्रेन किया, बढ़िया से सब कल्चर दिया, और मेरे पिताजी भी ऋषभ देव वो भी ऐसे करके, तो उनके पद चिन्हों में ऐसे चलते हुए मैं आगे बढ़ा और आश्रम में रहने भी लगा और साधु संतों के साथ भजन में भी जुड़ा, लेकिन एक एक हिरण में मोह हो गया मेरा, तो इस हिरण में आसक्ति उत्पन्न हो गई और मेरा फोकस छूट गया भगवान के प्रति, और मृत्यु के समय हिरण में मेरी आसक्ति मोही, मेरे को हिरण का शरीर मिल गया, लेकिन भगवान की विशेष कृपा रही कि मेरी मेमोरी में वो रिटेन रहा, आई एम एबल टू रिकॉल कि मैं राजा था ऐसे सा। तो अब अगले जन्म में मैं अपने आप को सचेत रखूं, तो फिर हिरण के बाद उनको फिर मनुष्य जन्म मिला ब्राह्मण परिवार में, अच्छे परिवार में, लेकिन अब अपने आप को उन्होंने बोला कि भाई इस संसार में वास्तव में विजय वही है जो इस संसार में डंब है ना, डंब मतलब बोंदू, जो संसारी कार्यों में बोंदू हो, है ना, लेजी लेजी इंटेलिजेंट, संसार के कार्यों को लेके जो लेजी है ना, संसारी भोगवासना, संसारी बातों को लेके, संसारी डेवलपमेंट या सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रगति को लेके जो आलसी है, बोंदू है, ये पॉलिटिक्स को लेके, गॉसिप्स को लेके, इधर उधर इसका उसका, ये सब को लेके जो एकदम बोंदू है, वो बहुत आगे है फिर भक्ति में या आगे पहुंच जाएगा। तो यही यही तरीका भक्ति में आगे बढ़ने का, और ये भरत महाराज जी ने समझ लिया, तो संसारी में बोंदू बन के रहे पूरा। ऐसा ही हमें, इतनी ज्यादा हमें चतुराई दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये रॉकेट बना दूंगा, ये बम बना दूंगा, ये तोप बना दूंगा, वो तोप बना दूंगा, है ना, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूंगा, ये गाड़ी खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा, मम्मी को ये दे दूंगा, डैडी को वो दे दूंगा। बाबा भक्त बनो और औरों को भी भक्त बनाओ। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? कृपा तो देखिए सर्कुलर चलते रह रही है, आती रहेगी, बस इस कृपा के सर्कल को पूरा करना है। अब इसमें पूर्ण तरह से हमें सिचुएट कर लेना है, क्योंकि इस कृपा के साथ क्या क्या ना, हम अपना संसार भी बढ़ा रहे हैं ना, असत वासनाओं को लेके भी चल रहे हैं, बट अब हमारे कृपा के सर्कल में केवल कृपा ही रहे, कृपा ही रहे, संसारी बुद्धि, संसारी आकलन, कैलकुलेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, ये सब ना रहे। और इस जन्म में नहीं तो किस जन्म में बताओ? अब जो 20 की उम्र में है, जो 30 की उम्र में, जो 40 की, 50 की, 60 की, और वैसे भी जो 60 के को टच कर लिया उन्होंने, तो उनको तो हो ही जाना चाहिए और भगवान के लिए अब तैयार। अब क्या बाकी रह गया 60 की उम्र में? देखो मैं बोलता हूँ, जिनके माँ बाप 60 को टच कर लिया उनको छोड़ दो, माँ बाप को मत सताओ भाई कि पापा आपने क्या किया मेरे लिए, मम्मी क्या खाना बनाती हो तुम यार, 20 सालों से तुम ऐसे घिसा पिटा बना रही हो, पापा क्या पैसा कमाया ये भी नहीं दिया, मम्मी क्या गहना बनाया तुमने, छोड़ दो भाई माँ बाप को, जो किया ठीक है ना, स्वीकार करो बढ़िया से और चलो आगे बढ़ो, और माँ बाप को भजन में लगाओ, भजन में व्यवस्था बनाओ कि माँ बाप अब बढ़िया से साधना भक्ति भजन कर सकें, और कोई ग्रज या ऐसे ताना कसना ये सब ना रखे माँ बाप के साथ। और जो माँ बाप 60 की एज में, उनका भी दायित्व बनता है, क्या कुंती महारानी बोल रही है ना कि ये पास को काटो काटो कृष्णा, ये बड़ा चुभ रहा है मेरे को, ये ममता, ऐसी ममता नहीं चाहिए मेरे को, तुम्हारे संबंध से ममता दो। तो जो अब 60 के ऊपर है, दादा दादी बन चुके होंगे ना, नहीं भी बने हो, पोते का मुंह देखा कितना कोड चाव रहता ना, एक बार पोते का मुंह देख लूं, एक बार पोती का मुंह देख लूं, एक बार दोहिते का मुंह देख लूं, एक बार दोहिती के मुंह देख लूं एक बार। तो ऐसा ये संसारी शारीरिक संबंध के स्तर पे, जो 60 की उम्र में
पहुंच चुके हैं, उनको थोड़ा ज्यादा उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि 60 की उम्र में तो व्यक्ति को व्यापार से अपने आप को फ्री कर ले, जितना कर ले उतना बहुत अच्छा है ना। धन कमाने से, धन के प्रति लेके, धन में आवेश, कितना स्टॉक मार्केट में चल रहा है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ नुकसान हुआ है, ये हुआ, छोड़ो बाबा। अरे कर लिया ना 20 से 60 की उम्र तक, अब छोड़ दो। और 60 की उम्र में माताओं को भी साड़ियों से फ्री हो जाए, गहनों से, साड़ियों से, शॉपिंग से, थालियों से, वो नई थाली लेके आनी है, नई साड़ी लेके आनी है, नई गाड़ी लेके आनी है, ये अभी सस्ती मिल रही है, यहाँ अच्छा सेल लगा हुआ है, अभी सोने का भाव कम चल रहा है एक्चुअली, तो अभी ले लेते हैं, और साथ में माला भी कर रहे हैं। नहीं चलता, ये अच्छा नहीं है बाबा। 60 की उम्र में ये सब ऐसा कैलकुलेशन ओरिएंटेड करना या ऐसे ऐसे चलाना, नहीं। 60 की उम्र में अब 1.8, अब तो बस उसी पार जाओ ना, इस पार ना उस पार वाली बात नहीं है, अब तो बस उसी पार बढ़ते रहो। तो ऐसा 60 की उम्र में जो माँ बाप दादा दादी बन चुके हैं, उनको ऐसा एक छाप छोड़ के जानी चाहिए ना, एक एग्जाम्पल सेट करे, छाप छोड़ के जाए। अब तो देखो एक प्रकार से 60 की उम्र में मरता क्या ना करता ना, अपने आप को झोंक दो पूरा का पूरा, और जो बच्चे हैं उनको भी माँ बाप को छोड़ दो भाई, भक्ति में उनको प्रोत्साहन दो। और जो माँ बाप बन चुके हैं मैच्योर एज में, 60 तक नहीं पहुंचे, उनको भी अपने बच्चों को वैसा ही कल्चर और दें, और अपने आप को तैयार करें, तैयार करें ना? नहीं तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? समय तो निकलते जा रहा है सारा, जॉब को लेके, व्यापार को लेके, रिश्तेदारियों को लेके, अभी ना ना कितने संबंध है भाई, इसकी शादी, उसकी शादी, शादी के बाद ये परिवार, ये मिठाई लानी है, वो करना है, वो करना है, कब कब तक हम टिक करते चलेंगे, कब तक? जब 70 में आके कमर टूट जाएगी तो संसारी काम भी नहीं करेंगे, भजन क्या कर पाएंगे बताओ? 70 के बाद कितनी रीडिंग हियरिंग कर पाएंगे, 70 75 के बाद, 80 के बाद? और भाव कितना बन पाएगा भाई? अब देखो कितना होता है ना घर परिवार में, देखा है? हाँ बताओ वर्षा। हाँ नेहा, 70 80 के भी हाँ, अब बोल नहीं पाते होंगे इतना, चल फिर नहीं पाते होंगे, लेकिन चिंतन, और पता चल जाता है ना कि भाई इनको नई गाड़ी नहीं मिल रही है, या अभी तक नहीं आया, या इनको व्यापार में, ये सब संसारी भाव को लेके। और क्या, चलो ठीक है 70 80 के हो गए, संस्कार बस, तो क्या सीताराम जय है ना, बोलो राधे श्याम जय, बोलो राधे श्याम जय, सब मिक्स करके है ना, हनुमान की जय, लक्ष्मण की जय, सीताराम की जय, राधे श्याम की जय, भोले बाबा की जय, गणेश जी की जय, जय जय, बस ऐसे भजन में लगे रहे भाई। क्या हम 70 80 की उम्र में हाँ दादाजी भजन करते हैं बहुत? अरे कहीं ना कहीं एक एकांतिक भाव उत्पन्न करो ना, वो 70 की उम्र में नहीं है सच, इतना प्रैक्टिकली देखा नहीं जाता। कहने को तो है ना कृष्णा भावनामृत इज कम्प्लीटली बिना किसी उम्र की, बिना किसी वो बात है, भगवान की अहेतु की कृपा की बात है, वो तो कोई 80 के उम्र में भी हो, कभी कभी भी कैसे भी आ सकती है। अब बिजली है ना, कभी भी कैसे भी कहीं पे भी चमक गई, लेकिन 70 80 की उम्र में, अब देखो वो ही बात है ना कि हम भी किसी ना किसी दिन होंगे 40 के 50 के 60 के, हम अपने आप को कैसे देखना चाहेंगे? अब ये कहने को तो है ना, देखो संसार हमेशा दूसरों से ही अपेक्षा रखता है, माँ बाप भी, बच्चों से ही, या अपने सास ससुर से, मेरे सास ससुर ऐसे हो और मेरे बच्चे ऐसे हो। अरे भाई बच्चे भी तो कुछ अपेक्षा रखेंगे ना कि मेरे माँ बाप भी कैसे निकले, और सास ससुर भी अपेक्षा रखेंगे ना मेरे बेटे बहू कैसे निकले। तो हम देखो जब भक्ति में शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा ही घुसते हैं ना, थोड़े थोड़े में आते हैं, तो कैसी अपेक्षा कि भाई ये मैं भक्त, ये भक्ति में है और मैं इनको, ये ऐसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए, है ना, दूसरों को ही ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तुम ऐसे नहीं हो, देखो तुम तो ऐसे होना चाहिए, तुम इतनी भक्ति कर रहे हो। अरे खुद को संभालो ना बाबा, खुद को संभालो। और 60 70 में तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या सुंदर व्यवस्था है भगवान की, कि
देखो अब 60 की उम्र के बाद 70 की उम्र तक अब किसी ने किया बच्चों के लिए, समाज के लिए, ठीक है भाई अच्छी बात है, नहीं भी किया तो भी कौन पीछे पड़ने वाला है, कोई पुलिस भेज रहा है क्या? अब फ्री ना बाबा, कोई 30-40 की है तो बात अलग है, कोई बोल भी दे भाई क्या कर रहे हो तुम 30-40 की उम्र में। वो अब 60-70 की उम्र में किसी ने मकान बना पाए नहीं बना पाए, पैसे कमा पाए गवा पाए, जो भी कर पाए छोड़ दो ना बाबा। अब उनको भजन में जा रहा है या उनको जाने दो, भेजो उनको भजन में, अग्रसर बनाओ। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? कहीं ना कहीं हमें प्रिपरेशन तो करनी होगी ना, तैयारी तो करनी होगी। एक एक रास्ता, एक एक तरह से जो 60-70 की उम्र में उनको फिर प्रयास करना चाहिए ना कि वृंदावन में वास भी करें ना, रेगुलर जाए वृंदावन, रेगुलर जाए मायापुर, और फिर फुल टाइम रहने का प्रयास करो भाई। फुल टाइम ही रहे हम वृंदावन मायापुर है ना, या जगन्नाथपुरी, एक जगह रहो फुल टाइम, फिर मंदिर में सेवा करो, भक्तों का संग करो, ये होना चाहिए। कोई 70 की उम्र में शोभा देता है क्या? 60 की उम्र में फैक्ट्रियों को, नई नई फैक्ट्री सेटअप करने में लगे हो, या मशीनों खरीदने में, या प्रॉपर्टी के रेट क्या चल रहे हैं, बैंक अकाउंट खोलने में ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, एक CA फर्म खोलते हैं, ये करते हैं, लॉ फर्म को, शोभा देता है क्या भाई 60 की उम्र में? 60 की उम्र में अच्छा लगता है बताओ ये माताओं को, बैग लेके चलेंगे हम मार्केट शॉपिंग करने, चलो चलो शॉपिंग करेंगे, उस वहां पे सेल लगी है साड़ी की, इतना डिस्काउंट है, चलो चलो गहने लेंगे, अभी भाव कम चल रहे हैं, हाँ अभी पोती की शादी है उसके लिए शॉपिंग करनी है, गिफ्ट्स लाने, ये करने वो करने, ये सब में कब तक उलझे रहोगे भाई? फ्री करो अपने आप को। ओके, कोई एनी थॉट्स, क्वेश्चंस या कमेंट्स कुछ कहना चाहो? ठीक है, समय तो आज काफी चल रहा है, एक और देख लें क्या? पूर्वाभ्यासेन तेनेवरीयते हायोशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ओके, सुधा माता जी अब पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? हाँ Yes. पढ़िए। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुशासनों से परे स्थित होता है। तात्पर्य, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते हैं, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकर्षित होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। हाँ, श्री बहुत सुंदर बात है, उन्नत हाँ योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। अनुष्ठान ना, भाई हम ये भजन करा लेंगे, ये जागरण करा लेंगे, ऐसे वैसे ये गाजा बाजा, और भी जो त्रिगुणात्मक, ये 3 गुणों से, विषय वासनाओं से भरे हुए जो शास्त्र हैं, ये मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा, वो उससे नहीं। वो तो योग साधना के शास्त्रों के जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, और जो प्रयोजन है, उससे ज्यादा प्रभावित ही आकृष्ट हो जाते हैं, है ना, जो ऑलरेडी थोड़े से एक एनलाइटन स्टेट में हो, जिन्होंने पहले अच्छा भजन कर रखा है। ओके, पढ़िए। श्रीमद् भागवत में हाँ। तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वां श्लोक। उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। आहो नहीं आहो बोलिए आप। नहीं पढ़िए आप। अहो वत् सर्वपश्चोत्तो
गरीयान यजि वर्तते नाम तु भयम् ते पुस्तकस्ते जुहवम् सस्नोरायया ब्रह्मा नुचारणम् गुणन्ति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 300,000 भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता है करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। सुंदर ना, जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र, तो जो हम जपा और कर रहे हैं ना, हमें वास्तव में हम बहुत ब्लेसेड हैं, भगवान का नाम जपते ना। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो हम नाम जप और कर रहे हैं ना हम सब, तो वास्तव में बहुत ब्लेसेड है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और ये सब हमने पहले ही सारे जो ये भगवान गीता में आगे स्वयं बताते हैं ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहने का कि अब हम भगवत बुद्धि भगवत विद्या भगवत भजन में अग्रसर हो रहे हैं या कर रहे हैं ना, तो इसका ये इतना करने का ये अंडरस्टूड बात है कि भाई सारे यज्ञ इत्यादि जो कुछ करने थे ना, वैदिक अनुष्ठान इत्यादि, वो सब कर लिया। मुख्य प्रयोजन तो देखिए शास्त्रों का क्या है ना, भगवान स्वयं कहते हैं ना वेदस्य क्या 15वां अध्याय में भगवान कहते हैं ना, वेदस्य सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविदेवा चाहम। सारो वेद शास्त्रों का प्रयोजन तो यही है कि मुझ कृष्ण को जानो पहचानो और मेरे से संबंध बनाओ, प्रेम में संबंध में आओ। और वही हम कर रहे हैं, तो सारे वेदों का हमने पढ़ाई कर ली बाबा, और कुछ हमें अब चार वेद इनका पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सार है अब सार में, और देखिए हम कलयुग के जीव हैं, कितने भाग्यशाली हैं एक प्रकार से, क्योंकि सार ही पकड़ना है हमें, और सार पकड़ के छोटा सा उम्र है, अब छोटी सी उम्र में ही देखो कितनी बड़ी चीज को हम पा सकते हैं। कितने सोचो ना, कलयुग में 100 वर्ष की तो आयु है, बस इतना हम ये सैनिटी या वाइज विजडम या ये बुद्धिमता विवेक केवल 50-60 वर्ष तक अगर हम रख सके, कितनी बड़ी उपलब्धि है, भगवत धाम जाने के रास्ते पूरे खुल जाएंगे। और यही सोचो अगर कलयुग 300 साल का हो जाता तो, सोचो अगर कलयुग 500-400 साल का होता, 400 साल 500 साल मतलब कलयुग में जीव की मनुष्य की सामान्य आयु एवरेज आयु 500 साल तक रहती, 300 साल तो सोचो 300 साल में अगर हमारी एवरेज एज होती और 100 साल तक जॉब करना पड़ता, सोचो 100 साल तक व्यापार करना पड़ता,
100 साल का बुढ़ापा होता, सोचो, बाप रे, खांसते ही रहते 100 साल, है ना। बचपने में 100 साल के बचपने में क्या क्या हम कर बैठते, कहाँ कहाँ भटक जाते। तो कितनी कृपा है भगवान की, हद से ज्यादा 100 साल की आयु दी है, कितनी कृपा है। और हम भारत में जिनका जन्म हुआ है, साधु संग श्रद्धा, भगवान के प्रति जो थोड़ी स्वाभाविक श्रद्धा है, बहुत भाग्यशाली है। बस इस भाग्य को, वी आर ब्लेस्ड, डेफिनेटली हम बहुत भाग्यशाली हैं। अब इसको पूर्ण भाग्यशाली बनना है हमें, है ना। बहुत में तो पूरा तो बने नहीं ना, अब पूर्ण भाग्यशाली बनना है। तो एकांतिक भाव से भजन में जुड़ना है, और सब कुछ हमने पहले कर रखा है, इसीलिए ना अब हमें ये भी नहीं कि हम माला भी करें और साथ में चलो वो पाठ भी कर लेते हैं, वो भी एक पूजा करा लेते हैं, वो भी एक यज्ञ हवन करा लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर, वो सब कोई आवश्यकता नहीं है ना। कुछ और ऐसे पढ़ने की कोई आवश्यकता है, केवल अब तो भगवान को समझना, उनसे प्रेम करना। जितना भगवान से प्रेम करेंगे उतना उनको समझते रहेंगे, जितना और समझेंगे उतना और प्रेम होगा ही होगा, उमड़ेगा ही भगवान के प्रति। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आपके धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वी मीट अप सून। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।